थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि मैंने इसका कोई शेड्यूल ही नहीं किया था कि ऑलरेडी लेट हो गया था। तो अब मैं अगले, मुझे लगता है कि पूरी रात के लिए मैं अपने रूम में बंद हूँ, बाहर काम चल रहा है, दरवाज़ा बंद हो चुका है। खैर, एनीबडी हियर ऑलरेडी? वन वॉचिंग नाउ, हु इज दैट नाइस पर्सन अलोन वॉचिंग इट? जस्ट हैव वी जस्ट हैव वन पर्सन, सो आई विल डू वन थिंग, आई विल पेन इट, राइट? वन सेकेंड वेट, मैंने किसी को पैसे भेजे, शायद किसी को गलत जगह चले गए। वन मिनट, 8510, वन सेकेंड, एक मिनट, सॉरी, मैं किसी को पेमेंट भेजी थी, वो गई नहीं। गुड इवनिंग एवरी वन। सो नहीं, बीच में क्या हुआ था, कुछ पेमेंट का इशू हो गया था, थैंकफुली मैंने सही जगह पे भेजा था, नहीं तो 2000 रुपये मुझे लगा कहीं और चले गए, आप ही लोगों के काम के लिए, इवोल्यूशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, ऑलरेडी ह्यूज डिले। श्रेय चावड़ा, आर यू एन इंजीनियर? एस, आई एम बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड स्वाति वर्मा, बफरिंग अब ठीक हो गया होगा, बीच में मैंने ऐप चेंज किया था। एंड गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग दीपिका, स्वाति वर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौरभ बनवाल, अरे मेरे भाई, गुड इवनिंग सौरभ। राजीव सूत्रकार, गुड इवनिंग राजीव, राजीव अब बंगाल में हैं, बंगाल में हैं तो कहाँ से हैं। प्रिया वर्मा, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, वी आर ऑलरेडी 10 पीपल, दैट्स अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज फॉर प्रीलिम्स अगर 10 लोग भी यूपीसी कॉरिडोर से निकल जाते हैं लेक्चर करके, तो दैट विल बी ह्यूज सक्सेस। बट एनी वे आई नो इट्स अराउंड 100 हो जाएगा। सो लेट्स डू इट नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, बट आई नो वॉइस इज नॉट क्लियर, सो आई विल जस्ट कनेक्ट माई माइक। Though the battery is very low, so in between I will be switching to another mic, but that's fine. Lecture हो जाए। अच्छा, सूत्रकार आप राजस्थान से? That's nice यार। I do not know ये surname राजस्थान में भी है। आवाज clear? सब कुछ clear? Can we start? मैं धनबाद से हूँ, झारखंड से, और मेरा जो गांव है वो बिहार में औरंगाबाद में है। तो हमारा मघी बोले आवे हया, और हमारे मामी जी हती भोजपुर से हती, तो हमारा के भोजपुरी बोले आवेला। क्लियर है ना, जल्दी से कंफर्म करिए। आई हैव गॉट नो रिप्लाई। इधर इन इशू, ठीक है, सौरभ ने बोल दिया कंफर्म, तो इट्स कंफर्म। And now proceed. Survey of British policies in India, ये 10 पेज के आसपास का चैप्टर है। अगर आप बात करें लेटेस्ट एडिशन में, तो लेटेस्ट एडिशन में चैप्टर नंबर 27, पेज नंबर 532, वर्स नंबर देश, चैप्टर नंबर देश, रिमेम्बर, वर्स नंबर 27, पेज नंबर 532 इन द न्यू बुक, एंड इफ यू गो बाई द ओल्ड बुक, मतलब दैट इज प्रीवियस बुक, सो पेज नंबर 553, चैप्टर नंबर 27, सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छी बात है, इसमें जो है हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम्युनलिज्म की तरह जो है थोड़ा इधर उधर करेंगे। ओवरऑल जो है ब्रिटिश की पॉलिसी का सर्वे करते हैं कि इंडिया में उनकी पॉलिसी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, इसी तरह की पॉलिसीज हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में, राजीव अहिर ये बोलते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के पहले कुछ और पॉलिसी थी, बाद में कुछ और पॉलिसी थी,
1857 के रिवोल्ट के पहले क्या पॉलिसी थी? पहले कहीं ना कहीं भले ईस्ट इंडिया कंपनी हो, लेकिन वो जो है एक ओरिएंटल कल्चर को डेवलप करना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हमारा कराना चाह रहे थे। लोगों को लगता है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858 में, तो लोगों को जो यहाँ के लोगों के लिए नहीं, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा सीधा सीधा ब्रिटिश मिल जाते तो क्रोनी कैपिटलिज्म वगैरह शुरू हो जाता है, कंडीशन जो है और हमारे इंसानों के लिए और खराब हो जाती, उनके लिए अच्छी हो जाती है। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगा कि एकदम रिएक्शनरी पॉलिसीज लगाए। आप देख रहे हैं ना कितने सारे ऑर्डिनेंस एक्ट वगैरह आए हैं आपके फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, तो वो तो सारे 1857 के बाद ही आए हैं। 1857 के बाद जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई थी, क्योंकि उन्होंने देखा 1857 के रिवोल्ट में मुस्लिम और हिंदू जब साथ आ गए थे तो दे बिकेम वेरी पावरफुल। दे रियलाइज्ड कि दे हैव टू कंट्रोल देम, दे हैव टू डिवाइड देम, दे हैव टू मेक डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, बिकॉज इफ टू कम्युनिटीज यूनाइट टुगेदर, 30 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, ब्रिटेन के यहाँ पे कितने लोग थे यार, 15-20 हजार 30 हजार लोग होते थे, कैसे संभालोगे? तो इसीलिए वो जो है 1857 के पहले थोड़ा प्रोग्रेसिव थे। आपको लगेगा कि नहीं पहले प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, नहीं पहले प्रोग्रेसिव थे। ओरिएंटल एजुकेशन जो संस्कृत वगैरह पर्शियन वगैरह को इतना नहीं छेड़ते थे, बाद में छेड़ना शुरू करेंगे। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, रिएक्शनरी पॉलिसीज लगाएगा, है ना। रिएक्शनरी पॉलिसीज में क्या बोलेगा, इंडिया के जो लोग हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मतलब अभी मेच्योर नहीं हुए हैं, हम डेमोक्रेसी समझते हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, डिले है ना थोड़ा सा, लेकिन इंडिया के लोग शायद शायद जो है इन चीजों के लिए रेडी नहीं है, तो हम इंडिया को सॉवरेंटी कैसे दे दें, इंडिया को फ्रीडम कैसे दे दें। व्हाइट मैंस बर्डन है कि हम इंडिया को जो है आगे ग्रो कराएं, डेवलप कराएं, लोगों को जो है काबिल बनाएं। मकावले वगैरह ने काम किया ही था, तो सारे सीआरपीसी सीपीसी लेकर आए, इंडिया के लोगों का कोर्ट बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए, ये सारी चीजें करें, लेकिन वो सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, वो थी ये कि आपको है गुलामी करवानी है, आपको कब्जे में रखना है, कॉलोनी बना के आपसे जो है पैसे ऐंठने हैं। बोलते हैं कि आप सेल्फ गवर्नेंस के लिए फिट नहीं हो, यू आर नॉट एजुकेटेड। साथ ही साथ ये हमारी जरूरत है कि ब्रिटिश लोगों का प्रेजेंस जो है इंडियन लाइफ में जो है डेली बेसिस पे होना चाहिए, तुम्हारे डिसीजन हम लें, हम बताएं कि तुम्हें क्या जो है खेती करनी है, कैसी इंडस्ट्री करनी है, और तुम्हारा पॉलिटिकल एजुकेशन, तुम्हारी वोटिंग राइट्स क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड बाय अस बिकॉज यू आर नॉट वेल सुटेड फॉर द जॉब। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सेक्शन बाय द ब्रिटिश। द फर्स्ट पॉलिसी इज डिवाइड एंड देन रूल, rule each one, determined to avoid a united mass action. As I already told you कि 1857 में दो, उसके बाद वो जो हैं परेशान हो गए थे कि अगर united mass action हो गया तो एटलीस्ट नहीं भी हारे यहाँ से तो एटलीस्ट मेनी ब्रिटिश विल बी किल्ड, मेनी ब्रिटिश पुलिस फोर्सेज आर्मी विल बी किल्ड, वो ये भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जो है यहाँ पे नेकेड पॉलिसी लिखा, हिंदी में बोलेंगे नंगा नाच, डिवाइड एंड रूल का, बेशर्मी से करना चीजों को, छुपा छुपे नहीं, एकदम सामने सामने करना, सेपरेट इलेक्टोरेट लोगे, अच्छा हिंदू के अंदर डिप्रेस क्लासेस को अलग से दे दें, ऐसी ऐसी चीजें करने लगे, है ना। एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर देना डिवाइड एंड रूल होता है, ठीक है। जैसे आपके और मेरे के बीच में कोई आ जाए डिवाइड करने, रूल करने की, ये जो लड़का है पढ़ रहा है अपने लिए पढ़ रहा है, तुम्हारा कोई भलाई नहीं करने वाला, आप जो बोलो बात तो सही बोल रहा है, तो ऐसे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ना मेरी पढ़ाई ना आपकी पढ़ाई, दिस इज डिवाइड एंड रूल। रीजन अगेंस्ट रीजन, कोई साउथ का रीजन को नॉर्थ वाले से लड़ा रहे हैं, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, आपको याद है जस्टिस पार्टी वो कांग्रेस के खिलाफ बस इसलिए होती है कि जस्टिस पार्टी को लगता है कि कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, तो ये सारी चीजें थी। प्रोविंस को भी प्रोविंस से लड़ाते थे, सिंध प्रोविंस को देखो ना, बोल रहे हैं कि अलग कर दो बॉम्बे से, हिंदू को मुस्लिम से, ये सारी चीजें हैं। वी आर 17 पीपल वॉचिंग द वीडियो बट देर आर ओनली 11 लाइक्स, जस्ट टेक वन मोमेंट एंड प्रेसिंग ऑफ द बटन, सो प्लीज डू दैट। आफ्टर एन इमीडिएट स्पेल ऑफ रिपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम, पहले After an immediate spell of repression against Muslim following 1857 revolt, ये होता क्या है 1857 की revolt में नेतागिरी तो मुस्लिम करते हैं, आपका जो मुगल का जो था सिस्टम उसी के अंदर रिवोल्ट करते हो ना, भले हर छोटे लेवल पे कोई और कर रहा है बट लीडरशिप तो जो एक तो मतलब कि जो राजभार जो संभाल रहा है इंडिया का जो बादशाह है वो तो बहादुर शाह जफर को बोला ना, सबसे पहले तो इनको आता है गुस्सा मुस्लिम पे, तो सबसे पहले ये मुस्लिम पे इमीडिएटली अगर 1857 के बाद बात करोगे सबसे पहले ये मुस्लिम को परेशान करना शुरू करते हैं ना। लेकिन 1870 के बाद डिसाइड करते हैं, खास करके जब कांग्रेस आ जाती है, जब कांग्रेस आ जाती है तो ये डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, रैली करेंगे, मुस्लिम को जो है थोड़ा सा कुछ कॉन्सेशन देंगे, मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं मिलेगी, मुस्लिम लीग वगैरह को मदद देंगे, आप बंगाल को जो है डिवाइड करके बोलेंगे कि मुस्लिम का एक अलग से प्रोविंस हो जाएगा यार। पहले तो उनको डंडे लगाते हैं कि 1857 का रिवोल्ट क्यों किया था, बाद में सोचते हैं कि ये पॉलिसी काम नहीं देगी, यूनाइटेड है, they decide कि why not take Muslims in confidence and make them stand against Congress itself. ये होता है 1870 के बाद। middle and upper class educated classes among Muslims,
उनको खड़ा किया था, याद रखिए, पेशेंट को खड़ा नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को कैसे एक एक को पकड़ोगे, एक एक को बोलोगे, वो समझेगा भी नहीं। तो सर सैयद अहमद खान को याद करिए, अलीगढ़ मूवमेंट, उनको जो है पहले वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन बाद में बोलते हैं कि हम मुस्लिम को अलग से जॉब दे देंगे, कोटा दे देंगे, तो वो जो है बोलते हैं मुस्लिम को एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस से दूर रहना, ठीक है, बोलते हैं कि स्केयर्स रिसोर्सेज, सबकी फुलफिलमेंट नहीं कर सकते, एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, लेटरल पॉलिटिकल स्पॉइल्स हो, जैसे कि जॉब्स एंड लेटरल पॉलिटिकल स्पॉइल्स विच वर इनहेरेंट इन द वेरी लॉजिक ऑफ कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट, मतलब तुम्हें अगर पॉलिटिक्स में जगह चाहिए, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जगह चाहिए, एजुकेशन में जगह चाहिए, तो देखो सीटें तो बहुत कम है, 100 सीटें ही हैं, सारी सीटें तो हिंदू ले लेंगे मेरिट पे, तो तुम्हें हम कोटा दे देंगे अलग से, ठीक। ये सारे टूल करके जो है रिलीजियस बेसिस पे एजुकेटेड इंडियन को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, दैट इज डिवाइड एंड रूल, कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्चुअल। ये मेंस में लिखना है, ये आंसर प्रीलिम्स में नहीं आएगा। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस, अब एक जो एजुकेटेड इंडियन पैदा हो रहा था ऐसे, तो वो 3P का यूज कर रहा था, प्रेयर पिटिशन वगैरह कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन वही एजुकेटेड इंडियन तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी कर रहा था, और जो प्रेयर प्रोटेस्ट है उससे भी प्रॉब्लम थी, एक अवेयरनेस जग रही थी लोगों में, मास एक्शन हो सकता था, तो जो एजुकेटेड इंडियन था उसके खिलाफ भी उनको जो है बहुत नाराजगी थी, उसको हॉस्टिलिटी बोल रहे हैं, हॉस्टाइल। द इमर्जिंग मिडिल क्लास नेशनलिस्ट लीडरशिप वॉज एनालाइजिंग द एक्सप्लोइटेटिव एक्सप्लोइटेटिव एक सेकेंड सॉरी टू इंटरप्ट, आप ये ब्रेक में भी तो पूछ सकते थे ना, अभी बीच में तो आप ये लाइव कर लो, आपको क्या नहीं मिल रहा है, नॉट एबल टू फाइंड चैप्टर 10 लेक्चर, नाउ आई हैव टू रेफर टू चैप्टर 10, ब्रेक में भी पूछा जा सकता है ना, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, दैट मीन्स यू हैवंट फॉलोड अवर लेक्चर्स, आई विल आउटलाइन फॉर यू, ओके, चैप्टर 10 हमने नहीं किया तो आपको कैसे मिलेगा। See, till now we started with unit 3. Unit 3 has chapter 6 and chapter 7. Both of them are completed. Then unit 4, reform movement, sociology, that is chapter 8 and chapter 9. Chapter 9 में 2-4 pages बचे हुए हैं, वो podcast में आएगा. Chapter 10 we haven't done. Chapter 11 we haven't done. Chapter 12 we haven't done. Chapter 13 we haven't done. And chapter 14 we haven't done. तो 10, 11, 12, 13, 14 जो छोटे छोटे chapter हैं वो हमने किए ही नहीं है, तो आपको कैसे मिलेंगे, दैट मींस यू हैवंट फॉलोड। चैप्टर 15 से लेके लास्ट तक हमारा चल रहा है बिल्कुल लगातार, और उसमें हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्लीज ब्रेक में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, या बीच में जो आप लोग बोलते सॉरी टू इंटरप्ट करके आप लोग क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, इंटरप्शन तो हो ही जाएगा ना, तो हम लोग जो है उसको ब्रेक में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करिए। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियन, जो मिडिल क्लास नेशनलिस्ट हो रहा था, लीडरशिप वो तैयार हो रहा था कि वो ब्रिटिश की एक्सप्लोइटेटिव जो नेचर थी उसको एनालाइज कर रहा था, ये तो बहुत गंदी चीज है, इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेनिंग ऑफ आवर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हो रही है, दादा भाई नौरोजी जो है आवाज भी उठाते हैं और बोलते हैं कि इंडिया का जो लोगों का है पार्टिसिपेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, हमें भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दो, हमें भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दो, हमें भी जो है गवर्नर बनाओ, ऐसे डिमांड करने लगते हैं, तो उससे भी तो प्रॉब्लम होगी ना ब्रिटिश को, अपने लोगों को नौकरी देंगे कि तुम्हारे लोगों को देंगे। एट ए टाइम वेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट वॉज बॉर्न, नेशनलिस्ट मूवमेंट का बर्थ माना जाता है कांग्रेस के बनने से, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885, द ब्रिटिश इंटरप्रेटेड द मूवमेंट एज ए चैलेंज टू देयर अथॉरिटी, बोला एओ ह्यूम को बोला वो आपके डफरिन ने ये क्या किया, ये आंखों के नीचे ये क्या बनवा के रख दिया कांग्रेस को, ब्रिटिश ने बोला कि ये तो हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करे, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, पूरी इंडिया को यूनाइट कर रही है, तो तभी से जो उनका लीडरशिप जो हॉस्टाइल हो जाता है, डिवाइड एंड रूल करने लगता है, मुस्लिमों को खड़ा कर देता है, हिंदू लोगों को खड़ा कर देता है कांग्रेस के खिलाफ, हिंदू को बोलता है ये देखो सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम को बोलता है ये देखो हिंदू की पार्टी है, इनफैक्ट फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड्स दे अपोज्ड ऑल दोज हु स्टूड फॉर मॉडर्न एजुकेशन। अब ऐसी हालत हो जाती है कि कोई भी इंसान मॉडर्न एजुकेशन की डिमांड करेगा तो उसको ये लोग विरोध करेंगे, क्योंकि उनको लगता था अगर कोई मॉडर्न एजुकेशन लेगा तो पक्का कांग्रेस में जाके घुस जाएगा, हमारा खिलाफ हो जाएगा। पहले तो मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देते थे ना, देखो ना ब्रह्म समाज को कितना बढ़ावा दिया, पहले मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, नाउ दे आर फेयरिंग द मॉडर्न एजुकेशन बिकॉज द मॉडर्न एजुकेटेड पीपल इज गोइंग टुवर्ड्स द कांग्रेस, वेदर ही इज हिंदू और मुस्लिम, इज गोइंग टिल्टिंग टुवर्ड्स द कांग्रेस, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दे वांट टू मेक द कांग्रेस वीक। एटीट्यूड टुवर्ड्स जमींदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदार के खिलाफ क्या एटीट्यूड था, कभी तो जमींदार उनके रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहे हैं तो शायद सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, है क्या 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ था, जमींदारों ने बहुत जो है वहां पे विद्रोह किया था। तो चलिए, इन द परस्यूट ऑफ रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड होप टू एक्सपेंड देयर सोशल बेस, ब्रिटिश लुक फॉर अलायंस विद द मोस्ट रिएक्शनरी ऑफ सोशल ग्रुप,
द प्रिंसेज, जमींदार एटसेट्रा। उन्होंने बोला कि ये जो मास एक्शन है तो इसको दबाना है, तो अगर हम फ्यूडल लोगों को अपने साथ ले लें जो कि ऑलरेडी इंडिया में मास एक्शन को दबाते रहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले लें, उसके लठियाल को साथ में ले लें, तो लोगों का जो मास एक्शन है उसको सप्रेस कर पाएंगे। तो बोला अगर प्रिंसेस को पटा लें, अगर जमींदार को पटा लें, तो लोगों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो इन्हीं की चलती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स तो यही है। तो ब्रिटिश इंटेंडेड टू यूज देम एज काउंटर वेट अगेंस्ट नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंसिया। अभी जो नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंसिया था उसको रिवॉल्यूशन करने के लिए लोगों से मिलना पड़ता था, अवेयरनेस जगानी पड़ती थी, रिफॉर्म करने पड़ते थे, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग फ्यूडल लोग नहीं है, वी डू नॉट हैव सच लैंड, हम बोले कि भाई जमीन बेच देंगे हम। नो यू आर नॉट वेरी लेट, यू आर जस्ट 16 मिनट लेट, और उसमें 5-7 मिनट निकल गए थे, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, नथिंग हैज बीन डिस्कस, डोंट वरी। एटीट्यूड टुवर्ड जमींदार यही था कि जमींदार को पटा लो, ये जो इधर आपका जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पैदा हो रहा है वो तो कांग्रेस में जा रहा है, तो व्हाई नॉट टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार एंड प्रिंसेस अगेंस्ट देम। नाउ द जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वेयर हेल्ड एज नेचुरल एंड ट्रेडिशनल लीडर ऑफ द पीपल। कांग्रेस बोलती है, सॉरी ब्रिटिश बोलते हैं कि कांग्रेस इज नॉट योर नेचुरल लीडर, दीज आर एजुकेटेड पीपल, दे जस्ट वॉन्ट द चेयर, दे जस्ट वॉन्ट टू एंटर द काउंसिल, दे आर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के जो रियल लीडर है, जो नेचुरल लीडर है, जो हजारों साल के बाद पैदा हुए हैं, रियल लीडर तो तुम्हारे राजा हैं और तुम उनकी प्रजा हो, रियल लीडर तो तुम्हारे जमींदार हैं और तुम उनके किसान हो, मजदूर हो, ऐसे उनको खड़ा करते हैं। लैंड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अवध तालुकदार कॉन्फिस्केटेड प्रायर टू, आपको ये पहले भी चीज डिस्कस किया, आप रिलेट करिए, अवध का जो मैंने मूवमेंट बताया था, तो आपको बताया था कि तालुकदारों को जो है उनकी जमीन दे दी जाती है। आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए था, मेरे मन में भी उठना चाहिए था कि जमीन क्यों दे दिया भाई, जमीन इसलिए दे दिया कि 1857 के रिवोल्ट में अवध के तालुकदार ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें कोई शक नहीं है, पेजेंट लोगों ने सेना के साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में उसी तालुकदार को तो आपको कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करना था, नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ खड़ा करना था, तो उसको सारी जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी थी अवध के तालुकदार की, तालुकदार भी जस्ट लाइक जमींदार ओनली, तो अवध के तालुकदार को सारी प्रॉपर्टी लौटा दी, बोली कि लो प्रॉपर्टी पे रूल करो, फ्यूडल लॉर्ड बनो, लोगों को दबाओ हमारे बोलने पे। जो जमींदार और लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट था हमेशा पेजेंट के खिलाफ प्रोटेक्ट किया जाता था, पेजेंट के इंटरेस्ट नहीं देखते थे किसानों की, बोलते थे कि जमींदार का इंटरेस्ट देखेंगे, लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट देखेंगे, राइट। जो टिल्ट था हमेशा वो जमींदार और लैंडलॉर्ड के लिए था, प्रिंसेस के लिए था, जनता के लिए नहीं था। खैर, द फॉर्मर इन टर्न सॉ द ब्रिटिश एज गारंटर ऑफ देयर वेरी एग्जिस्टेंस। फॉरनर ने सोचा कि अगर ये कांग्रेस कल को जाग गई, अगर फ्रीडम मिल गया, तो जमींदारी तो खत्म हो जाएगी, क्या ये डाउट गलत था? बिल्कुल सही था, प्रिंसली स्टेट भी खत्म हो गए, जमींदारी भी खत्म हो गई, तो एक उनकी रीजनिंग सही थी। अगर कांग्रेस जाग जाए, आपके कंट्री में नेशनलिस्ट मूवमेंट होने लगे, तो जमींदारी और रजवाड़ा तो चला जाएगा, एक्चुअली इवेंट। तो बोलते थे कि ब्रिटिश अगर जब तक रहेंगे तब तक हम लोग कम से कम रूल कर सकेंगे, है ना। चलिए, सोशल रिफॉर्म के प्रति उनका क्या एटीट्यूड था, इसमें आप खुद सोचिए। प्रायर जो पहले के सारे सोशल रिफॉर्म थे, ब्रिटिश ने भले एक्ट लगा के किया हो, लेकिन सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इनके लिए काम तो किया था। हैविंग डिसाइडेड टू साइड विद द रिएक्शनरी एलिमेंट, बट ये 1857 के पहले की बात है। व्हाट अबाउट सिचुएशन आफ्टर 1857? नाउ व्हेन यू आर अलाइनिंग विद जमींदार एंड प्रिंसेस, देन हाउ कैन यू सपोर्ट सच मूवमेंट्स, सच लिबरेटिंग मूवमेंट्स? जमींदार एंड योर लैंडलॉर्ड विल नॉट लाइक दिस। सो सोशल रिफॉर्म के प्रति एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। ब्रिटिश ने सोशल रिफॉर्म से अपना सपोर्ट जो था विड्रॉ कर लिया कि नो नो नो, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, योर नेचुरल लीडर इज प्रिंस, योर नेचुरल लीडर इज जमींदार, योर नेचुरल लीडर इज तालुकदार, एंड दे आर सेइंग दैट नो विडो रीमैरिज शुड नॉट हैपन, दे आर सेइंग दैट द चाइल्ड मैरिज शुड हैपन, सो हु आर वी, डोंट गो बाई द लाइन ऑफ द कांग्रेस, दीज आर योर नेचुरल लीडर्स, योर सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दिस रिफॉर्म्स। तो बोलते हैं कि अब जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है उसी की बातें माननी है, और कांग्रेस के खिलाफ ऑर्थोडॉक्स सेक्शन को इसी तरह से जो स्ट्रांग बनाया जाता है। कास्ट को इनकरेज करते हैं, आपको पता है कम्युनल कॉन्सियसनेस की, हिंदू मुस्लिम अलग है, उसको जो है वो लोग इनकरेज करते हैं। इस तरह से ब्रिटिश जो है इस टाइम पे 1857 के बाद की बात कर रहा हूँ, जो रिएक्शनरी फोर्सेस थे आपके कंट्री में, जो कि पुरानी चीजों को रिवाइव करना चाह रहे थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो मेंटली पिछड़े लोग थे, उनको बढ़ावा देते हैं। अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज क्या होती है, सिविक एमेनिटीज, एजुकेशन, मेडिकल एंड ऑल दोज थिंग्स अंडर डेवलप्ड थे, आपको तो मैंने लोकल गवर्नमेंट में भी पढ़ाया। अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये मत से कि आपको सिविल एमेनिटीज मिल रही है, अगर मैं ब्यूरोक्रेट हूँ या पुलिस में हूँ, मेरी पेमेंट मिल रही है बहुत ज्यादा, तो आपके घर में बाथरूम नहीं बन जाएगा। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के लोगों पे बहुत खर्च कर दिया, सारा एक्सचेकर तो इंडिया से ही जनरेट होता था। तो ये आप बताइए कि सोशल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया,
physical infrastructure like road, bridge, all these things will those be created? No. एक हावड़ा ब्रिज बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह हावड़ा ब्रिज था कंट्री में. नो, वो उनकी नीड के लिए था, प्रेसिडेंसी थी. ठीक है, ये जो लेगेसी है ब्रिटिश की, ये आज तक में हॉन्ट करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया कंट्री में. जो रेलवे की लाइन बिछी है, जो टेलीग्राम बिछा है, उनके उनके खुद के लिए बिछा है. कोल को ट्रांसफर करना है और कोई मान लीजिए कि पत्थर को ट्रांसफर करना है इधर से उधर बिक्री के लिए, अपना उनका मान लीजिए कॉटन का रॉ मटेरियल लाना है, या ब्रिटिश ऑफिसर को इधर से उधर जाना है, इसके लिए रेलवे लाइन बिछाई थी. और जो भी फैसिलिटीज, वही बोल रहे हैं देखिए, एंड वट एवर फैसिलिटीज वेर एस्टैब्लिश्ड दोज कैटर्ड टू द एलीट सेक्शंस एंड अर्बन क्लासेस. अर्बन क्लास के लिए, एलीट सेक्शन के लिए था. इनफैक्ट एक स्टोरी भी थी कि आपके जो है कानपुर या लखनऊ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह था वहां पे, तो मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ. ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, ये यूपीएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आया था 2 साल पहले. आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पुरुषोत्तम दास टंडन. यस, पुरुषोत्तम दास टंडन. सो ही वॉज मेंबर ऑफ दिस अर्बन लोकल बॉडी एंड ही हैड टू फाइट ए लॉन्ग वॉर टू गेट द बेसिक नेसेसिटीज देयर. बोलते थे कि अगर बिजली नहीं आ रही तो काम करते हैं, जैसे आपका बत्ती गुल बिजली कुछ ऐसा करके है ना, मीटर करके, वो शाहिद कपूर की मूवी, उसी तरह से बोलते हैं कि अगर बिजली नहीं आ रही है तो फिर हमें जो है पूरा ही बिल नहीं देंगे. और बहुत उनको जो है उसके लिए सहना पड़ता है, बट पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो है फाइनली रेस्टोर करवा लेते हैं. सौम्य देशमुख, आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर की क्यों करना है कंप्लीट, इकोनॉमी के कर लूंगा नेक्स्ट वीक. आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, जब मैं नितिन सिंघानिया करा रहा हूं तो पीटी 365 क्यों करोगे, जोश आ गया तो वो भी कर देंगे, बट नो प्रॉमिसेस फॉर दैट. बट इकॉनमी है एज अ प्रॉमिस, इकॉनमी और एनवायरमेंट 99% चांसेस इस वीक कंप्लीट हो जाएंगे. एंड वट एवर फैसिलिटीज वर एस्टैब्लिश कैटर्ड. अच्छा एक बात बताओ आप सौम्या, आप मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना सौम्या, एक सेकंड. सौम्या देशमुख आप एक बात बताओ, आपने लेक्चर का पूछ रहे हो कि कब कंप्लीट करोगे, तो इकॉनमी की जो लास्ट लेक्चर है उसके कॉमेंट सेक्शन में मैंने जो 10 लोगों को रिप्लाई किया, आपने वो क्यों नहीं पढ़ा कभी? मैं पिछले 2 दिन में कम से कम 10 लोगों को रिप्लाई किया एनवायरमेंट और इकोनॉमी में कि कंप्लीट, उसके बाद पर्सनल मैसेजेस अलग, उसके बाद चैट में अलग, फिर इस वीडियोस के अलग. मैंने ये नहीं बोला कि पूछिए मत, लेकिन अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाइए. आप चाहते हैं मैं सारा कंप्लीट एकदम कर दूं, एकदम परफेक्ट इंसान बनूं, आपको भी तो परफेक्ट एस्पिरेंट बनना पड़ेगा. थोड़ा बहुत वहां देख लीजिए कमेंट में कि कब का रिप्लाई किया. पहले बोला था 15 अगस्त, लेकिन मेडिकल के लिए मुझे तो ट्रेवल करना था, उसमें भी लफड़ा लग गया बहुत बड़ा वाला, उसके लिए भी मुझे फिर से जाना, अपील करना है. ये सारी चीजों के बीच में मैंने वहां पे लिखा है कि नेक्स्ट वीक कंप्लीट कराया जाएगा. ये स्पेक्ट्रम का कितना बचा आप खुद बताइए. खैर आप लाइव देख सकते हैं, कमेंट भी तो देखिए. एंड वट एवर फैसिलिटीज वेर एस्टैब्लिश कैटर्ड टू द एलीट सेक्शन एंड अर्बन एरियाज. रूरल एरिया के लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं था, अर्बन एरियाज में जो थे लोग उनको जो है. पृथ्वी हमारे लेक्चर करने एनवायरमेंट में, दैट्स इट. और मतलब पीटी 365 पर जो मैंने स्टैटिक करा है उतना कर लीजिए, और जो है शंकर में क्रिस्प में सुन रहे हैं ना, तो स्टैटिक में हमारे लेक्चर कर लीजिए, और स्टैटिक में इकोलॉजी का जो चैप्टर है वो शंकर आई से कर लीजिए. उसके अलावा बाकी जो है पीटी 365 में करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है. यही था क्रिस्प. खैर तो रूरल एरियाज जो है उसके डेवलपमेंट नहीं करते थे क्योंकि वहां तो उनके लोग नहीं है. आप खुद सोचो ना, लोगों को मैंने पहले बोला था ना, लोगों को एक मशीनरी में डालना था. आइए राम रंजन, कोई बात नहीं है, 20 मिनट की पढ़ाई हुई, यहीं से कंटिन्यू करिए, बाद में देख लीजिएगा बाकी. तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डालने के लिए, अपने ऑफिसेज देने के लिए, पटाने के लिए अर्बन एरियाज में जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया लोग, ताकि जो है इंटेलिजेंस या कोई जगह मिल जाए. अब लेबर लेजिस्लेशन के बारे में सुनिए, ये थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आज जो आपके कंट्री में लेबर लेजिस्लेशन है उनकी ऑरिजिन यहीं पे है. ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश क्या चाहेंगे कि लोग स्ट्राइक कर पाए, नहीं. ब्रिटिश क्या लेबर राइट्स देना पाएंगे, नहीं. लेकिन ब्रिटिश ये तो चाहेंगे कि अगर डिस्प्यूट हो जाए उसको जल्दी से रिजॉल्व कर लें, ताकि किसी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो घटे, ऐसी चीजें तो चाहेंगे. तो चलिए लेबर लेजिस्लेशन के बारे में सुनते हैं. एज इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया ये पॉइंट, कि जैसे आपके यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो वहां भी वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में जो एक लफड़ा शुरू होता है राइट्स को लेकर. कैपिटलिस्ट चाहता है कि वो जो है एक वर्कर से ओवर क्राउडिंग होने के बाद, ओवर कंजेशन होने के बाद, खराब पॉल्यूशन के काम में करने के बावजूद जो है आउटपुट बहुत ज्यादा ले. सेम कंडीशन इंडिया में भी होती है, लेकिन फर्क क्या मैंने आपको बताया था, वहां उनका खुद का कंट्री था, दे कुड डिमांड समथिंग. यहां जब तक कांग्रेस सपोर्ट ना करे, मास मूवमेंट ना करे, कोई कुछ नहीं करने वाला था, ये बड़ी प्रॉब्लम थी. ठीक है, वर्किंग आवर्स जो लॉन्ग थे, चाहे वो वीमेन हो, चिल्ड्रेन हो, सबको एम्प्लॉय करते थे उस टाइम पे मेन के साथ, और जो वेजेज होते थे वो लो होते थे. अभी वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, 8 आवर्स होते हैं आईएलओ के कारण. इन ओवर क्राउडेड, पुअरली वेंटिलेटेड,
जैसे आपके दिल्ली में जो कुछ इलाके में जैसे किसी आग लग गई थी तो पूरा फ्लोर जल गया था, कितने लोग हमारे मारे गए थे क्योंकि ओवर क्राउडेड था, वेंटिलेशन नहीं था, लोग जो खिड़कियों पे ग्रिल पे आके जो है उनकी मौत हो गई क्योंकि अंदर पूरा गैस बन गया। एंड पुअरली लाइटेड वर्किंग कंडीशन, जैसे मेरी लाइट वाइट ठीक लगी हुई है, अभी अंधेरा लगा दूं तो उधर सनलाइट मिले ना आर्टिफिशियल लाइट मिले। सेफ्टी मेजर्स तो नॉन एग्जिस्टेंट थे, कभी कोई एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया जान चली जाए, ये सारे तो लेबर की कंडीशन थी। और साथ ही साथ फर्स्ट एवर डिमांड जो आया रेगुलेशन द कंडीशंस ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री का इंडिया में, तो वो देखिए कि लंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी का आया। देख रहे हैं फर्स्ट जो इंडिया में डिमांड आया कि लेबर की वर्किंग कंडीशन जो है इंडिया के फैक्ट्रीज में इंप्रूव कर जाई जाए, तो जो इंग्लैंड की जगह है लंकाशायर, वहां का टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी था। लॉबी समझते हो, कुछ एक ग्रुप हो जो मिलकर एक लॉबी बना के अपना डिमांड करे, जैसे लॉबी में लोग खड़े हो जाते हैं तो यूनाइटेड ग्रुप। ये लॉबी जो होती है बिजनेस में चलती है, ये लॉबी लॉबी का एक एग्जांपल लो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूएसए जो है ट्रंप जो है या यूएसए कभी भी कोई गवर्नमेंट बनती है इसराइल की इतना सपोर्ट में क्यों है, क्या है इतना, क्या मतलब कि इसराइल के सपोर्ट में रहता है। इसलिए रहता है कि इसराइल की बहुत बड़ी जेविश पॉपुलेशन जो है पॉलिटिकल फंडिंग में यूएसए का, चाहे वो कांग्रेस हो डेमोक्रेट्स हो जो भी हो, डेमोक्रेट और कौन रिपब्लिक सॉरी जिनको भी हो, फंडिंग जो है बहुत हाई लेवल पे देते हैं। दूसरा जेविश लोग बहुत साइंटिस्ट वगैरह, आप देख पर गूगल करके देखना कितना नोबेल प्राइज उनको मिला है, दे आर वेरी वेरी जीनियस पीपल, नो डाउट ओवर दैट। सो वो लोग क्या करते हैं, फंडिंग बहुत करते हैं इलेक्शन में, तो उनकी लॉबी है। अब फंडिंग की तो बात सुननी पड़ेगी ना, जेविश लोगों के सपोर्ट में बोलना पड़ेगा इसराइल के, ये होता है लॉबी। दूसरा लॉबी एक और बता देता हूँ, श्रीलंका में जो है एलटीटीई के खिलाफ जो उनकी सेना ने जो लोगों को मार दिया था और फिर जो है आपका जो जाफना वाला एरिया जो है बिल्कुल पीसफुल हो गया, तो श्रीलंका में ह्यूमन राइट के वायोलेशन के खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ इतना यूएस पीछे क्यों लगा हुआ है। तमिल श्रीलंकन यूएसए में भरे हुए हैं और इंडियन तमिल भी यूएसए में भरे हुए हैं, अगेन उनकी लॉबी है, प्रेशर बनाते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो यही जो टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट थे आपके लंका शहर में, दोज कैपिटलिस्ट हैड ए लॉबी, डिमांड केम फ्रॉम इंडियन वर्कर्स, सो दे सेड टू द ब्रिटेन गवर्नमेंट कि प्लीज इंडिया में वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दो। उनका क्या जाता है, इंडिया में वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दो, ठीक है। अप्रेहेंडिंग द इमर्जेंस ऑफ ए कॉम्पिटेटिव राइवल इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर कंडीशंस ऑफ चीप एंड अनरेगुलेटेड लेबर, दे डिमांडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू फैक्ट्री कंडीशन। लेबर की डिमांड थी यहां से कि हमारी कंडीशन ठीक कर दो, उन्होंने बोला कि हाँ यही बात है। लेकिन इंटरनली बात बहुत दिलचस्प है, आपको मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की थी, अनरेगुलेटेड लेबर जो होता है, जो आपके जहां पे हाइजीन की कंडीशन सही नहीं होती, वो लेबर सस्ता होता है। जैसे चाइना में है मुर्गी के जैसे जो लोग है सटे सटे एक एक फीट के डिस्टेंस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाइना का सामान सस्ता हो जाता है। जब आप लेबर को 8 ही घंटे काम कराओगे, एक लेबर को सही वेज दोगे, हाइजीनिक कंडीशन बनाओगे, सैनिटेशन कंडीशन बनाओगे, सुख सुविधा से लेस कर दोगे, तो आपकी कंट्री का कैपिटल तो आधा वहीं चला जाएगा, आपका सामान महंगा हो जाएगा। तो वहां कहता है लंकाशायर वाला कैपिटलिस्ट लॉबी कि इंडिया में वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फोकस ऑन दैट, दे आर नॉट सेइंग कि यूके में वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उनका पैसा खर्चा हो जाएगा और उनका सामान महंगा हो जाएगा। ये बोलते हैं कि इंडिया में वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, अंदर में मन तो बात ये थी कि इंडिया का जो सामान आ रहा है वो महंगा हो जाए और हमारा सामान जो है आपके लंका शहर वालों का सामान जो वो ज्यादा बिके सस्ते में, ये कारण था। चीप लेबर ना हो इंडिया में, महंगा लेबर हो। महंगा लेबर का एक और तरीका है कि लेबर को जो है खूब ज्यादा वेजेस दो, खूब ज्यादा सुविधा दो, एक लेबर से 8 ही घंटे काम कराओ। They demanded the appointment of a commission for investigation into factory conditions. बोलते हैं कि commission appoint करो, India में बहुत human right का violation हो रहा है भाई। The first commission was appointed. आपको पहले भी बोला, 1857 के revolt के बाद जब crown के अंदर चला जाएगा तो British की policy जो India में है वो कहीं ना कहीं वहां के लोग प्रभावित करने लगेंगे, businessman लोग, क्योंकि कौन था, Secretary of State for India तो वहां बैठा हुआ था, Cabinet Minister था, तो बोलते हम तो तुम्हें वोट ही नहीं करेंगे अगर तुम हमारे जो है बातों को नहीं मानोगे। तो फर्स्ट लेबर कमीशन जो है बन गया कब, 1875 में, और ऑल्दो द फर्स्ट फैक्ट्री इट वाज नॉट पॉसिबल बिफोर 1881, 6 साल बाद जो है फर्स्ट लेबर कमीशन जो बनता है इंडिया की लेबर कंडीशन के लिए, इंग्लैंड में बनता है, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है। इंडिया में क्या होंगी फैक्ट्री की कंडीशन, उसके लिए इससे फायदा हो रहा है वहां के कैपिटलिस्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 के बारे में सुनिए, जो आ गया तो उसमें क्या है, बोलते हैं चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। अब चाइल्ड लेबर तो 5-2 रुपए पे काम कर रहा था, चाइल्ड प्रोडक्शन हो रहा था, तो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट बोलते हैं नहीं, नो चाइल्ड लेबर, 7 से 12 साल के बच्चों को जो है फैक्ट्री में नहीं रखा जाएगा, 12 साल के ऊपर वालों को रखा जाएगा। और सुनिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज प्रोहिबिटेड, अच्छा
अच्छा ओके ठीक है, 7 साल के बच्चे का, 7 साल से कम, मतलब उस टाइम पे 7 साल से कम के बच्चों को भी एम्प्लॉय करते थे। गजब है यार, 7 साल में तुझे पतंग नहीं उड़ाना था, कंचा खेलता था भले मैं 7 साल में। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 7 ईयर ऑफ एज प्रोहिबिटेड, बोला कि 7 साल से छोटा बच्चा है तो उसको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं करने देंगे फैक्ट्री में, ठीक है। वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटे तो नहीं, 9 आवर्स पे जो है बच्चों के लिए जो है उनको रूल बनाएगी। जो चिल्ड्रेन है मतलब 7 से 12 साल का, सुनिए ध्यान से सुनिए, 7 साल से कम के हो तो वर्किंग नहीं करनी है, वर्क नहीं करना है। 7 से 12 साल के हो तो आप चाइल्ड लेबर हो, अलाउड है, लेकिन 9 घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है। 1 महीने में 4 दिन छुट्टी मिलेगी जो बच्चा है उसको, तो मुझे भी जो है आप 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी दीजिए। चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन को बोलते हैं कि 1 महीने में तुम्हें 4 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसमें जो है वो कंचा खेलेगा। अच्छा, जो हजार्डस मशीनरी टू बी प्रॉपरली फेंस्ड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? हजार्डस मशीनरी को प्रॉपरली फेंस्ड ऑफ मतलब घेरा लगा देना कि कल को कुछ लीक हो जाए, स्टायरिन जैसा है। इसी चक्कर में जो स्टायरिन का भी इशू बता देता हूँ, स्टायरिन क्या होता है? स्टायरिन एक लिक्विड है जो कि मोनोमर है, लेकिन उसको मिला के अगर बना दो तो आपस में मिलके क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर क्या बनेगा? पॉलीस्टायरिन। अच्छा, स्टायरिन बस नेचुरल होता है क्या? नो, स्टायरिन ऐसे तो आपके कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी होता है, लेकिन स्टायरिन को आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हो लिक्विड फॉर्म। कलर होता है क्या? नो कलर। तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? स्टायरिन अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो स्टायरिन जो है गैस में गैस बन जाता है ना, वेपराइज हो जाता है। वही वेपराइज होकर लीक हो गया प्रोसेस में जब उसका पॉलीमराइजेशन कर रहे थे। स्टायरिन के प्लास्टिक वगैरह बनते हैं पॉलीस्टायरिन के, डोंट वरी, नॉर्मल थिंग। या ऑटोमोबाइल में जो है उसको प्लास्टिक को यूज कर सकते हो। तो वाइजैग में क्या, वो एलजी की फैक्ट्री में वो लीक हो गया, जब वो वेपराइज हो गया 20 डिग्री के ऊपर लीक हो गया तो फिर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लॉन्ग टर्म में कैंसर हो सकता है। ये था पॉलीस्टायरिन का केस। तो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसी मशीनरी है, तो उसकी फेंसिंग ऑफ कर दो, घेरा लगा दो, ताकि लोगों को जो है उससे नुकसान ना हो। ये बहुत अच्छी बात थी। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में भी आया, पहला कब आया भूलेंगे क्या? 1881 में। उसके जस्ट 10 साल बाद इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ये एक्ट 1891 में आता। इसमें जो है, जो बच्चे की मैंने क्या उम्र बताई थी जो काम नहीं कर सकता, 7 साल, उसको बढ़ा के 9 साल कर दिया। तो 9 साल के नीचे का जो बच्चा है उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। और अच्छा, इनकेस द मिनिमम एज फ्रॉम 7 to 9 ईयर्स मिनिमम, ओके। और जो चाइल्ड लेबर की बात हो रही है उसको 12 से देखिए कि 14 साल कर दिया, ठीक है। मतलब जो 9 घंटे का जो काम करना था पहले था ना, 7 से 12 वाले कर सकते हैं, अब बोला कि नहीं 12 से 14 साल के जो हैं, सॉरी 9 से 14 साल के जो हैं उन्हीं को जो है 9 घंटे काम करने दिया जाएगा। चाइल्ड लेबर अलाउड है, उसकी क्लासिफिकेशन जो है थोड़ी और अपर एज कर दी गई, 12 ईयर से 14 साल कर दी गई, राइट। और बोलते हैं कि जो मैक्सिमम वर्किंग आवर चिल्ड्रेन के लिए उसको 9 से 7 घंटे कर दिया, वेरी गुड स्टेप। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि मिनिमम जो आपका जो मैक्सिमम वर्किंग आवर वीमेन के लिए है उसको 11 घंटे कर दिया है ना, एंड 1.5 आवर इंटरवल, विथ 1.5 आवर इंटरवल बीच में जो है आपको ब्रेक के लिए खाना पीना के लिए मिलेगा। जो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछेगा कि मेन की वर्किंग आवर भी जो है चेंज की गई थी, नो, मेन वर्किंग आवर अनरेगुलेटेड थी। अनरेगुलेटेड का मतलब 24 घंटा काम, जैसे आप जो है मेन वर्किंग आवर आपके अभी कितने यूपीएससी के टाइम पे तैयारी में 15 घंटा 20 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, नहीं होता इतना, 10 घंटे 12 घंटे होता है। वो गांव के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यूपीएससी में जो है फलाना जो हमारा रिश्तेदार है उसने तो 25 घंटा पढ़ाई की थी, जब देखते थे तब पढ़ता रहता था, ऐसे थोड़े कलेक्टर बना है, 25 घंटा पढ़ता था जी, एक्स्ट्रा जो दिन होता था एक साल का 366 उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेता था। बर्थडे के दिन बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, हम देखे हैं भाई कलेक्टर ऐसे थोड़े बना है, बहुत लायक बेटा था फलनवा का। ऐसे ऐसे जो कहानियां होती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो लेबर थे वो भले जो है उनकी वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड नहीं थी, तो मतलब 24 घंटा 20 घंटा कुछ भी करना हो करना पड़ेगा, लेकिन मेन के लिए। तो ना ही 1881 के एक्ट में, ना ही 1891 के एक्ट में मेन की जो वर्किंग आवर की रेगुलेशन थी वो नहीं की गई थी। डोंट फॉरगेट दैट, चिल्ड्रेन की दोनों एक्ट में की है, वीमेन की 1891 में की है, लेकिन जो मेन की है वो दोनों एक्ट में नहीं की है। लेकिन जो होलीडे है वो सबको मिला था, गांव के लोगों के अलग हाल है, उनको लगता होलीडे मतलब कि होली का दिन, खैर। बट दिस लॉज डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश ओन टी एंड कॉफी प्लांटेशन। आज भी बहुत बुरी कंडीशन है, चले जाओ ना आप आसाम में देखो। अच्छा, इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आसाम है या वेस्ट बंगाल या कोई और स्टेट है? और लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बता दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि अरक्कू कॉफी जो है वो किस स्टेट से आती है, किस डिस्ट्रिक्ट से आती है, उसका GI टैग है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए।
और वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कौन सी कंट्री है, इंडिया में जो है कॉफी की कौन सी दो वेराइटीज पाई जाती है, सारी चीजें मुझे बता दीजिए। खैर, ये जो लॉ थे जो ब्रिटिश ओन्ड जो टी और कॉफी प्लांटेशन थे वहां पे नहीं होते थे, क्योंकि टी और कॉफी का खूब जो है उसके लिए खिलाफ कोई लॉबी भी नहीं थी। तो वहां पे देखिए प्रोडक्शन करने के लिए आज भी बहुत बीमारियां होती हैं उनको, बहुत वर्किंग कंडीशन खराब है, कुछ नहीं देते। टी कॉफी प्लांटेशन में प्रॉब्लम क्या है ना, आपको वहीं पे रहना पड़ता है, प्लांटेशन का बनाया हुआ रहता है, आसपास में घर फूस फूस का घर बना देते हैं, वहीं रहना पड़ता है आपको। तो माइनिंग में फिर सेम कंडीशन है, उनको तो एकदम स्लेव की तरह यूज करते थे, टी कॉफी वालों को बिल्कुल स्लेव की तरह। इतने सारे क्वेश्चन पूछे, फटफट आंसर दे दीजिए। टी कॉफी वालों को बिल्कुल स्लेव की तरह यूज करते थे। गवर्नमेंट हेल्प दिस प्लांट्स बाय पासिंग लॉज सच एज दोज व्हिच मेड इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर ए लेबरर टू रिफ्यूज टू वर्क ओवर ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टी में असम बिल्कुल सही है हर्ष, कॉफी में कर्नाटका बिल्कुल सही है हर्ष, अरक्कू वैली आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, यस विशाखापत्तनम जहां पे लीक हुआ था स्टायरीन उसी के बगल में अरक्कू वैली है, मैं घूमने गया तो फोटो भेज दूंगा। दार्जिलिंग टी द फर्स्ट जी आई टैग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये क्या भारत इन वर्ल्ड पिया वर्मा, वॉट इज भारत इन वर्ल्ड, नो चाइना, इंटरवल फॉर 130 फॉर वीमेन एंड मेन बोथ, नो ओनली फॉर वीमेन, ओनली फॉर वीमेन एंड यू डोंट रिमेंबर टू दैट, रिमेंबर दैट फैक्चुअल थिंग। कॉफी इंडिया, कर्नाटका टी, असम वर्ल्ड टी, चाइना इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, आर यू श्योर? प्रिया भी बोल रही हैं, तब से लगता है कल से कॉफी पीना पड़ेगा। ब्राजील है भाई, 40% ग्लोबल कॉफी सप्लाई ब्राजील से होता है, वियतनाम सेकंड पे है। किसी ने मुझे कॉफी के टाइम अरेबिका रोबस्टा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हर्ष, कॉफी रोबस्टा, कॉफी अरेबिका ब्लेंड में जो है दोनों मिला के पी सकते हो, ब्राजील कॉफी फर्स्ट, एग्जैक्टली हो गया, कवर हो गया। अब इसी बीच में मुझे जो है सिल्क की वैरायटीज इंडिया में बता दीजिए कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि मूगा सिल्क जो है वो कहाँ पाया जाता है, और सबसे ज्यादा कौन सी सिल्क है हमारे कंट्री में। तो ये सारी कंडीशन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्लांटर को, प्लांटर कौन, जो प्लांटेशन कर रहा होता है, और जो प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप जो एक ही तरह की क्रॉप जो है, मूगा तसर एंड मलबेरी, यही तीन है, देयर इज वन मोर वैरायटी। आपकी कंट्री में मलबेरी इज लार्जेस्ट इन इंडिया, यस राइट। सो व्हाट हैपेंस नाउ कि प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन ये होता है कि जब आप जो है क्रॉप वगैरह सारी इधर उधर की वैरायटी खत्म करके एक ही प्लांट को लगाते हो, उसके लिए अलग से केयर करनी पड़ती है, वो जनरली कैश क्रॉप होता है, बनाना के प्लांटेशन हो सकते हैं, कॉफी के प्लांटेशन हो सकते हैं, आपके जो है इनफैक्ट केसर वगैरह का भी हो सकता है, नील इंडिगो के प्लांटेशन हो सकते हैं। तो ये जो प्लांटेशन का वर्कर था, चूंकि उसको रेवेन्यू लेके जाना था इंडिया से, मूगा असम एग्जैक्टली हाई, तसर हाइएस्ट है ना, मलबेरी, मलबेरी इज नॉट एक्चुअली मलबेरी समथिंग एल्स ना, मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड एरी सिल्क, अमंग दिस फोर काइंड्स द मलबेरी सिल्क कंट्रीब्यूट टू मोर देन 80% ऑफ द सिल्क, सॉरी समवन सेड रॉन्ग, मलबेरी 80% से ज्यादा। ये जो मूगा सिल्क है असम में, दैट इज वेरी कल्चरली इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जो आपके असम की जो लोग बिहू वगैरह में जो साड़ी पहनते तो जनरली वो मूगा सिल्क का बना होता है, कोई असम से होंगे तो बता सकते हैं, ठीक है, हर घर में होता है, बड़ा बहुत चमकता, बहुत शाइन करता है। एनीवे, सो गवर्नमेंट क्या करती है, प्लांटर को हेल्प करने के लिए तरह तरह के लॉ भी लेकर आती है, और वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर ए लेबर टू रिफ्यूज द वर्क वंस ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेबर ने कॉन्ट्रैक्ट जो है अंगूठा लगा दिया अपना कि मुझे काम करना है, तो वहां से निकल नहीं सकता, पूरा जो है उसको बंधुआ मजदूर। टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस सिल्क इन इंडिया, हर्ष आर यू श्योर? सिल्क बहुत पहले से मिलता है इंडिया में, सिल्क बहुत पहले से मिलता है, एंड सिल्क रूट याद करो ना, या हर्ष सिल्क रूट याद करो, चाइना से सिल्क निकला है दैट इज फाइन, लेकिन बहुत पहले से टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस रॉकेटरी इन इंडिया, कॉटन की ओरिजिन साउथ इंडिया में हो सकता है, हाँ साउथ इंडिया में हो सकता है, एग्जैक्टली साउथ इंडिया में हो सकता है। खैर, तो आप समझ रहे हो प्लांटर को कैसे हेल्प की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एक बार घुस गए
और उसके बाद फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस, अगर तोड़ोगे कॉन्ट्रैक्ट तो आपको जो पनिशमेंट दे देंगे जेल में डाल देंगे। लेबर बेचारा परेशान विद प्लांटर हैविंग द राइट टू गेट द डिफॉल्टिंग लेबरर अरेस्टेड। प्लांटर के पास राइट था कि वो डिफॉल्टिंग लेबरर को अरेस्ट कर लेगा। आपके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में जो है कॉटन मिलता है, दैट मींस इंडिया इज हैविंग द मोस्ट एंशियंट प्रूफ ऑफ कॉटन। अब कल को हो सकता है कोई और कंट्री लेकर आ जाए, देखो हमारा 10,000 साल पहले मिला था, वो अलग बात है, अभी तक इंडिया है। मोर लेबर लॉज वर पास्ड अंडर नेशनलिस्ट प्रेशर इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में आपको पता है ना कुछ और लेबर लॉज वगैरह आए थे, वो तो पहले भी डिस्कशन किया, बट ओवरऑल वर्किंग कंडीशन जो लोगों की थी गंदी रही थी, खराब ही रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब फ्रीडम ऑफ प्रेस पे क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो आइडिया ही आपको कितना गला दबाया, कितनी बार बताया नरेटिव दबा दिया। द नेशनलिस्ट हैड बीन क्विक टू यूज द एडवांसमेंट इन द प्रेस टेक्नोलॉजी। मुझे ये बता दीजिए कि सबसे दुनिया में सबसे पहले जो है पेपर का जो है आविष्कार कहाँ पे हुआ, आपका स्टेट पीएससी के लिए हरा कि नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। ऑल्सो पेपर टेक्नोलॉजी जो है सबसे पुराना इंडिया में कौन है, अगर ये कोई गूगल करके बता देंगे तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। सबसे पहला पेपर इंडिया में कब बना था, चाइना से पेपर, एग्जैक्टली। आप जो है कोई अगर गूगल करके देखना चाहें तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो है कौन कौन सी चीज चाइना से निकले तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, चाइना इज एक्चुअली वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन, बहुत कुछ वहां से निकला है और बहुत कुछ का वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। अ ग्रेट कंट्री नेचुरली बट अंडर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड एक्सपेंसिविस्ट कंट्री, बट अदरवाइज कल्चरली एंड सिविलाइजेशन में चाइना इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू इंडिया और मे बी समटाइम्स यू नो दैट। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस क्या होता है, अब नेशनलिस्ट जैसे ही पेपर वेपर आ गया तो बोलते पेपर वेपर छोड़ दो, जिंदगी के मजे लो, है ना, वो पेपर नहीं छोड़ना, वो बोलते पेपर में लिखेंगे। मीन्स दे रहा था तो वहां पे बच्चे आ गए 4-5 साल के भूखे नंगे बच्चे, मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो बोलते हैं कि भैया पेपर वेपर छोड़ दो जिंदगी के मजे लो। ब्रेक में था तो मैंने भी मजे ले लिए, कम स्कोर करके आ गया, पढ़ना छोड़ दिया बीच में आधा एक घंटा। तो नेशनलिस्ट जो है आपकी जो प्रेस टेक्नोलॉजी आ गया ये तो लेकर आए ब्रिटिश, नेशनलिस्ट बोलता है कि हम पेपर लिखेंगे, मैथिली वाला बोलता है कि हम तिरहुत में पब्लिश करेंगे, हाँ के तरह तरह के आर्टिकल लिख देबो, तो तमिल बोल रहा है कि मैं तमिल में पब्लिश करूंगा। आप परेशान हो गए, वर्नाकुलर ये सब अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है और लोगों को जगाने लगे हिंदी विंदी में लिख के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आते हैं कि भाई तुमको रोकेंगे, तुम क्या लिख रहे हो मैं समझ में नहीं आ रहा। द नेशनलिस्ट जो है आपके जो पेपर की टेक्नोलॉजी आई, जो प्रेस की टेक्नोलॉजी आई, उसको फट से यूज करते हैं और लोगों को जो है अपने ओपिनियन से एजुकेट करते हैं। तिलक, महारत्ता और कौन सी केसरी, रिमेंबर सो मेनी, बंगाली है ना, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू क्रिटिसिज्म, शिकायत करते हैं, हम बकवास कर रहा है, बड़े बेकार चीज है, गोरा जहां मिले वही पकड़ के मार देना, और साथ ही साथ एंड सेंसर एंड रिलेटेड टू अराउज नेशनल कॉन्शियसनेस। बाद में जो है आप जो है नेशनल क्रिटिसिज्म एंड सेंसर क्या होता है, सेंसर ऐसा नहीं थे कि ये लोग सेंसर कर देते, जो उसको निंदा करना वही क्रिटिसिज्म, सेंसर यहाँ पे सेम यूज हो रहा है, CENCUSURE है ना, दोनों में डिफरेंस होता है, सेंसर वाला अलग है। बाद में जो है नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए भी काम करते हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए 1835 में। चलिए सबसे पहले ये नाम अगर आप भूलेंगे तो आपकी गलती है, यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव आ चुका है, फिर से आ जाएगा। 1835 नाम है मेटकाल्फे, ही लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इंडियन प्रेस, जो लिटन जो लगा कर गया था उसके बाद जो है हटाता है रेस्ट्रिक्शन, तो मेटकाल्फे है, he was a great guy in this way. 1835 मेटकाल्फे had lifted restrictions imposed on the Indian press. But Lytton, अच्छा Lytton बाद में आता, sorry. Lytton के ये मेटकाल्फे के पहले भी restriction लगी थी, तो मेटकाल्फे ने उसको तो हटा दिया। इसको मैं याद करने के लिए कुछ तो तरीके से याद रखता हूँ, प्रोबेबली मैं मेटकाल्फे को नेट पढ़ता हूँ और उसे याद रखता हूँ कि मतलब इंटरनेट पे फ्रीडम होनी चाहिए। सो मेटकाल्फे ने जो है आपके इंडियन प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे उसको 1835 में हटा दिया, लेकिन जो लिट्टन है, लिट्टन के नाम में ही प्रॉब्लम थी, लिट्टन हर जगह जो है दुष्टता करता रहता था। लिट्टन ने सोचा ये जो नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है प्रेस के थ्रू पब्लिक ओपिनियन बना रहे हमारे खिलाफ, है ना, इम्पोज कर रहे रेस्ट्रिक्शन, तो बोलते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस पे रेस्ट्रिक्शन डाल दो क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं और वर्नाकुलर में कुछ भी लेकर आते हैं। वेरी इनफेमस एज ऑलरेडी टोल्ड बाय हर्ष, योर लिट्टन केम विद 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज, दिस एक्ट हैड टू बी रिप्लेस्ड अंडर पब्लिक प्रोटेस्ट इन 1882। बस 4 साल बाद इतना प्रोटेस्ट हुआ उस एक्ट को खारिज कर दिया गया। आफ्टर दैट द प्रेस एंजॉयड रिलेटिव फ्रीडम फॉर अबाउट 2 decades, चला 1900 के आसपास, फिर आपके आपको पता ही है महान आ जाते हैं कुछ लोग, बट वॉज अंडर रिप्रेशन अगेन इन द वेक ऑफ द स्वदेशी और एंटी पार्टीशन जब हुआ था बंगाल वाला, उस मूवमेंट के दौरान फिर से उस पर जो है चढ़ जाते हैं ब्रिटिश। 1908 में, 1910 में जो है इस पर रेस्ट्रिक्शन लगता है, और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया बोलते हैं कि अलग से चैप्टर है, तो चिंता मत करिए,
अलग से चैप्टर है पूरा, मैं आपको जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस पूरा पढ़ाऊंगा, आपको उसको याद भी करना है, वो जो है चैप्टर बल्कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिज्म थी क्या? व्हाट डू यू थिंक? आप ये बताओ कि अफ्रीका में रेसिज्म थी जिसकी, तो क्या इंडिया में नहीं करेगा? इंडिया में बस वो ये सोचता कि चलो नहीं आर्यन है, ब्राउन है, बहुत ब्लैक नहीं है, यही सब हो सकता है ना, बट रेसिज्म था? रेसिज्म खाली एकदम बस कलर पे नहीं होता, रेस पे भी तो होता है ना। हाँ दोनों एक ही चीजें हैं, हालांकि कई जगह जो है रेस के हिसाब से कलर पे भी, मुझे मैं तो इसको कलरिज्म बोलता हूँ। मान लो मेरी मम्मी, मतलब मैं तो देख लो कि बहुत गोरा चिट्टा हूँ, लेकिन मान लो कि मैं बहुत काला होता, अब मेरे भैया गोरे होते, मेरी मम्मी का जो मन में प्यार जग जाए कि नहीं जो गोरा है मेरा प्यारा बच्चा बड़ा वही अच्छा है, तो मम्मी उनको ज्यादा प्यार करने लगी, तो इज इट रेसिज्म? लॉजिकली बताओ, इज इट रेसिज्म? क्या अलग अलग रेस है मम्मी के बच्चों के? नो, दिस इज कलरिज्म। कोई जो है कलर पे बात करे, फेयर एंड लवली पे बात करे, तो दैट इज नॉट रेसिज्म एक्चुअली, दैट इज कलरिज्म। बट एनीवे, व्हाइट रेसिज्म की बात करते हैं। द नोशन ऑफ व्हाइट सुपीरियोरिटी वाज मेंटेन्ड वेरी केयरफुली बाय द कॉलोनियल रूलर्स बाय सिस्टमेटिकली एक्सक्लूडिंग द इंडियंस फ्रॉम हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विस। आपको पहले ही बताया, सिविल सर्विसेज हो या मिलिट्री सर्विसेज हो या रेलवे, जो रेलवे के कंपार्टमेंट में कि कौन किसके साथ बैठेगा, पार्क में जो है कौन किसके साथ बेंच पे जो बैठ के बोलेगा कि तो आप पास में बैठते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ये इंडियन लोगों को अलाउड नहीं था, ठीक है? होटल में कौन किसके साथ जो है दारू पिएगा, क्लब में जाएगा तो कौन किसके साथ जो खेलेगा डांस करेगा, आप क्या वहां पे सोच रहे हो कि आप जो है वो जो कौन सा डांस होता है, बॉल डांस, बॉल डांस क्या आप इंग्लिश मैम के साथ या इंग्लिश सर के साथ कर लोगे? सर के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैम के साथ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जगह पे जो है रेसिज्म देखी जाती थी, है ना? और कहीं कहीं जो है उनको ज्यादा गुस्सा आ जाए तो अपनी लाठी से मारने लगे, पीटने लगे, मुक्की से मारने लगे। नौकरों को तो कई बार मारते थे, नौकरों को बहुत मारते थे, हमेशा हेल्पर तो इंडियन होता था ना। आप देखोगे एनसीईआरटी में एक फोटो भी दिया है कि जो इंडियन है वो ऐसे छाता लेके खड़ा है साइड में, और बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो इंडियन को कैसे बताया है, इंडियन एकदम गिरा मरा सा पड़ा हुआ, और बोले पूरे एलिट एसएससी ना चौड़ा करके बैठे हैं। तो ये रेसिज्म जो है हर जगह थी, कभी पीटना मारना, और कभी कभी जो है देखिए कि मर्डर भी कर देते थे कुछ, और बोलते थे कि एक्सीडेंट हुआ है। हे फैजन गुड इवनिंग, मर्डर जो है कुछ जगह बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है ना, रिपोर्ट करते थे, मर्डर कभी रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी ना, भले इंडियन जज नहीं बैठेगा लेकिन यूरोपियन जज तो बैठेगा। रिलेट दिस, देयर इज अ पॉइंट एट व्हिच वी मस्ट रिजर्व कंट्रोल टू आवरसेल्फ। बोलते हैं वो लोग कि वी कुड ओनली गवर्न बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी वर द डोमिनेंट रेस। हम जो रेस बाहर से आए गोरे लोग, हम कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आप मैं ये चीजें, तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कई बार जो होता है, अब डार्कर रेस है वो भी डिस्क्रिमिनेट करती है गोरों को, बोलती है कि तुम बाहरी हो। आप असम में चले जाओ, जो दिस इज ए ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, जो शिलोंग में मूवमेंट हुई थी सिख लोगों के खिलाफ, दैट वॉज रेसिज्म, वो गोरा काला का नहीं था। आप जो नॉर्थ ईस्ट से इंसान आता है यहाँ पे, तो जो वर्ड बोला जाता है दैट इज लीगली प्रोहिबिटेड, सो आई विल नॉट से दैट वर्ड, जो वर्ड बोला जाता है उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी कि अगर ये वर्ड बोलोगे तो फाइन होगा। कंप्लीटली राइट, डिप्लोरेबल सिचुएशन सी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बाल के आधार पे कि तुम्हारे लंबे बाल हैं, पतले बाल हैं, सिल्की बाल हैं, तो तुम जो है चाइना के हो, व्हाट इज द लॉजिक यार, तो उनको परेशान करते थे। एक को तो पीट पीट के, मतलब प्रोबेबली ही डाइड। लेकिन आप जब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, आप एक बार जाके मुझे खासी हिल्स में अकेले घूम के दिखा दो और बोलो कि मुझे खाली हिंदी आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, घूम लेना रात में, यू विल नॉट कम अलाइव। यस, अंडरकवर पीपी, आप बताओ खासी गारो जानतिया हिल में कोई जो है आपके दिल्ली का आदमी हिंदी बोलने वाला बोले कि मैं इंग्लिश नहीं जानता, और अगर बिल्कुल एकदम गांव की कम्युनिटी में पहुंच जाए, नहीं, दिस इज वेरी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। आई नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी फ्रेंड के पिताजी को कैप्चर कर लिया था कि वी विल मर्डर यू टुनाइट, समहाउ ही एस्केप्ड। तो रेसिज्म जो है दोनों साइड से है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से भी है और यहाँ के भी साइड से। नॉर्थ ईस्ट में तो असम में चले जाओ, बंगाली मुस्लिम एसमीज ट्राइंगल बन के रेसिज्म होता है, 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाते, देखो अंडर कवर बता रहे, नहीं जा सकते आप, वो आप कचर हिल के तरफ चले जाओ, हर तरफ से होता है। दिस इज नॉट अबाउट गोरा एंड काला ओनली, जो पार में है वो जो है ज्यादा कर लेता है, पार में जो है वो थोड़ा ज्यादा कर लेता है, ये याद रखिएगा। मराठी गुज्जू एवरीबडी डज रेसिज्म, एवरीबडी। रीजनलिज्म हो गया, हालांकि रेसिज्म से ज्यादा रीजनलिज्म हो गया, इट इज डिफरेंट कलर्स।
उन्होंने बोला कि अगर जब तक हम ये ना मान के चलेंगे कि ब्रिटेन से जो आदमी आया वो डोमिनेंट रेस का है, तो हम रूल कैसे करेंगे? जब तक मैं ये ना मान के चलूं कि मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, है ना? मैं भी स्टूडेंट मान लो खुद को, तो पढ़ाऊंगा कैसे? दो इंडियन सर्विसेज शुड बी एनकरेज, बोलते कि एनकरेज करेंगे, बट एक पॉइंट है जो अपर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज है, जो ये बात है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, तो जो क्रिमिनल यूट्यूब भी जो है सजेस्टेड वीडियोज में डिस्क्रिमिनेशन कर देता है. Everybody does discrimination. Okay, this is a harsh truth of life. मम्मी पापा भी कभी कर देते हैं आपस में बच्चों में. बचपन में जो है बड़ा बच्चा जो है हुआ था तो वो हमें बहुत पसंद आता था, तो आज ही हमारा वही फेवरेट है. ब्रेकफास्ट के लिए उसी को याद दिलाएंगे. खैर, तो अपर जो पोजीशन है कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज है, ये साथ ही साथ ये बोलना है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी तो जज बैठेगा, अगर कोई यूरोपियन इंसान पर अक्यूजेशन है तो जज बैठेगा, जो इंडियन जज नहीं बैठ सकता. ये सारी चीजें जो है उनको ने बोला कि ये नहीं रहेगा तो हम रूल कैसे करेंगे. ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया सोचिए. तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपने पूरा समझ लिया, इन पॉइंट्स को जो है बस पॉइंट को ऊपर वाला बस जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेंस में बहुत बढ़िया आंसर लिख पाएंगे. ऐसे में भी यूज होगा ये चीजें, और ऑब्जेक्टिव भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, नो डाउट. अभी तो फैक्ट्रीज एक्ट बताया, अच्छा उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक कि फैक्ट्री एक्ट जो है इंडिया में ब्रिटिश टाइम पे कोई आया ही नहीं था, इस तरह का इजी क्वेश्चन पूछेंगे. अब चलिए ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इंडिया में क्या थी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ना कल्चरल एंड सोशल क्या थी. शुरुआत में ओरिएंटल कल्चर को बढ़ावा देंगे, राइट, कोलकाता वगैरह में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, थोड़ा शुरू में बोलेंगे वेरी गुड नाइस स्पिरिचुअल रिलीजन गुड लैंग्वेज एवरीथिंग इज फाइन. बाद में धीरे धीरे जो है उनको जो है इंग्लिश वेस्टर्नाइज करना शुरू करेंगे. टिल 1813 आई एम नॉट टेलिंग अबाउट 1857, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1813 ओनली. ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, बोला कि जो है हम आपकी कंट्री में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपका धर्म रखो, हमें पैसे कमाने हैं. सही में उनको बस पैसे कमाने थे, इसमें कोई डाउट नहीं है. आए थे वो इसी के लिए, रूल करने नहीं आए थे. सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको लगा कि रूल किए बिना हमारा जो है पैसा नहीं निकलेगा यहाँ से. तो 1813 तक बोलते हैं कि कोई सोशल कंडीशन में, कोई रिलीजियस कंडीशन में, कोई कल्चरल लाइफ में हम आपके इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम बस पैसे कमाने हैं, बिजनेस करने हैं. 1813 के बाद जो है इंडियन सोसाइटी को, कल्चर को उन्होंने जो ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, ताकि जो है उनके जो अपने आइडियाज यहाँ पे आए और हमारे लोग जो है उनके आइडियाज को फेवर करें और उनकी चीजों को सुने. ओके, और बोलते हैं कि 19th सेंचुरी का जो ब्रिटेन है जो डेवलप हो रहा है, वो आइडियाज को बोरो करो, हमारी डेमोक्रेसी सीखो, राइट. 18th एंड 19th सेंचुरीज में जो हो रहा था ब्रिटेन में उसको सीखो. तो क्या क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आपको पता है ना 18th सेंचुरी में 1750s के आसपास ही हुआ था ब्रिटेन में. तो उससे जो होता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बढ़ जाता है. The rising industrial interest wanted to make India a big market for their goods. अब जो है आप धोती कुर्ता पहनोगे, है ना, या मतलब कम ही कपड़े पहनोगे, बल्कि साड़ी पहनोगे, अगर ऐसी चीजें पहनोगे और वो भी जो है आपका जो है सूती नॉर्मल जो है खद्दर टाइप का मोटा सूती पहनोगे, कॉटन, अगर ये चीजें पहनोगे तो आप ब्रिटिश का जो मैनचेस्टर का जो आएगा कपड़ा, तो वो कैसे पहनोगे, मार्केट तो नहीं बनोगे ना आप. तो सूट बुट की सरकार बननी चाहिए, जैसे राहुल गांधी ने बोला. अब गांधी जी को देखो सूट पहन के, दादाभाई नौरोजी को देखो सूट पहन के, सारे जवाहरलाल नेहरू को भी देख लो, आज मोदी जी भी सूट पहन रहे हैं. सूट पहनने का कल्चर किस लिए आया था, आपकी कंट्री को मार्केट बनाना था. आप तो धोती कुर्ता वाले थे या पैजामा वाले थे, पाकिस्तान अभी भी फॉलो कर रहा बहुत हद तक. तो ये सूट बूट का जो कल्चर है लाके हमें मार्केट बनाना था, राइट, विच बिगेन इन द 18th सेंचुरी रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हो गया, सामान बेचना है भाई, 30 करोड़ की पॉपुलेशन है. So, rising industrial interest wanted to make India a big market for their goods and therefore required partial modernization. Educated वाला ना करें, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो modernization होना चाहिए. और इसीलिए उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया भी, तो इसलिए किया कि आप जो है उनके लिए मार्केट बने. जैसे फेयर एंड लवली आपको बोलती थी ना, अब तो एंड लवली हो गई, फेयर हट गया, एंड लवली हो गई. तो पहले क्या बोलते थे कि आपको जो है शादी नहीं हो रही, 10 साल से कष्ट हो रहा है, हल्दी चंदन के गुण नहीं आ रहे हैं, वेदों ग्रंथों से लिखा था फेयर एंड लवली, अब आप गोरे हो गए, आपकी शादी हो गई. आपको बढ़ावा दिया, कलरिंग सिखाई, लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएशन सिखाया, फिर बोलते हैं कि गोरे हो जाओगे तो आपकी शादी हो जाएगी. और उसमें भी लड़कियों पे फोकस किया खास करके, बताइए क्यों, क्योंकि मार्केट बनाना था. इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन विच गेव राइज टू न्यू एटीट्यूड्स ऑफ माइंड मैनर्स एंड मोरल्स. इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है. माइंड मैनर्स मोरल्स, उठना जाता है, उठते हैं बैठते हैं ऐसे हैं देखो, है ना, ऐसे जो है डिसिप्लिन में बैठते हैं, चेयर होनी चाहिए, क्या सुबह सुबह जाके निकल जाते लोटा लेके, अच्छा वॉशरूम बनाओ वेस्टर्न डिजाइन का, हाइजीन होनी चाहिए, पानी का मत यूज करो, पोछ पाछ के निकल जाओ, यही हाइजीन होता है. कैसे टच कर सकते हो, खाना खाओ तो हाथ से ना खाओ, छुरी और कांटा से खाओ. अब इंडियन बोल रहा है कि भाई हम
ये जो कांटा है इसे स्वेटर बुनू कि खाना खाऊं? स्वेटर बुनू तो समझ में आता, मम्मा सी देती है, इसे खाना मैं कहां से पकड़ू? बट खैर सीखते हैं लोग, कुछ लोगों को खाना नहीं आता फिर भी कांटा छुरी लगाते हैं, हाथ तो पता नहीं। खैर तो बोलते हैं कि मैनर सीखो, नमस्ते वगैरह मत करो। आज भले जो जर्मन की चांसलर जो फ्रांस की मेलबर्न मैक्रोन को नमस्ते कर रही है, बट ठीक है अपना अपना टाइम है। माइंड मैनर मोरल सीखिए, ब्रिटिश की तरह रहिए, टाइट होके बैठिए, और आप जो है इंग्लिश के मैंने गुड मॉर्निंग गुड नाइट आप लोग भी बोलते हो, गुड इवनिंग सर, आप अंग्रेज आपसे कम कोई थोड़े हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तो आप जानते हो, वहां से बहुत अच्छी वैल्यूज आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। टिपू सुल्तान ने भी सीखा था थोड़ा हुआ। लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी, ओके लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी, तो जो है आप इसी टाइम पे जो है अपना प्रियम्बल रिवाइज कर लीजिए। प्रियम्बल में बताइए लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी है कि नहीं है, क्या तीनों वर्ड है? JLEF, JLEF, ठीक है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी सारे हैं। आज लाइव नहीं देख सकते सर, क्या हो गया नहीं देख सकते तो कमेंट कर दो, आपका साइंस रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा वोल्वरिन रिवीजन कर लीजिए, हाँ ठीक है। द न्यू ट्रेंड वाज प्रेजेंटेड, अब यहाँ पे जो बोले डेमोक्रेसी नेशनलिज्म भी सीखा लोगों ने, दैट्स अ गुड थिंग। ये जो नया ट्रेंड था जो फिलोसफी थी, आप तो शंकराचार्य की बातें सीखते थे है ना, बोलते थे कि ये जो है मतलब अहम ब्रह्मास्मि, बोला नो 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 नॉट अहम ब्रह्मास्मि, यू लर्न फ्रॉम बैकन, लॉके, वोल्टेयर, रूसो, कांट, इमैनुअल कांट, एडम स्मिथ एंड बेंथम एंड हुकर एंड फलाना चिलाना। आज जो है आपकी जो यूपीएससी एग्जाम ले रही तो वहां भी आपको वही एथिक्स सिखा रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, चार्ल्स डिकेंस, लिटरेचर में मेरे पापा भी जो है अपने सेंट जेवियर में पढ़ते थे वहां पे, तो आज मैंने उनके दराजों में देखता हूँ, तो चार्ल्स डिकेंस, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ी हुई है मेरे किताबों में, हम लोग पापा पढ़ते थे ये सब। यस इनिशियली आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश आइडियाज। खैर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू थॉट, जो नया थॉट जो पैदा हुआ, हम बिहार में थॉट नहीं बोलते, बिहार में थाउट बोलते हैं, ठीक है थाउट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू थाउट, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू वेब ऑफ थाउटवेयर, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रैशनलिज्म, राशन नहीं बांटना है, रैशनलिज्म इज लॉजिकल होना, ठीक है वही उत्तर दक्षिण की तरफ सिर करके पढ़ना है कि नहीं, बोलना है कि नहीं है। दक्षिण में करोगे तो आपके पूर्व जो है राक्षसों को खाना चला जाएगा, गजब बात है। रैशनलिज्म विच एडवोकेटेड फेथ इन रीजन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, गुड थिंग, नया थॉट, अच्छी बात है, रैशनलिज्म होना चाहिए, रीजन में फेथ होना चाहिए। अगर आपको लगता है धर्म में कुछ अच्छी चीजें हैं तो रीजन फाइंड करो ना, धर्म में अगर बोला है कि अपने आपको साफ रखना चाहिए, नहाना चाहिए, वेरी गुड थिंग, ठीक है, और कुछ उटपटांग चीजें थी तो बैड थिंग। तो साइंटिफिक एटीट्यूड बनाओ, साइंटिफिक रैशनलिज्म बनाओ, और उस पे जो है उस टच स्टोन पे अपने रिलीजन को चेक करो, तो ये होता है रैशनलिज्म। सेकेंड ह्यूमेनिज्म, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, सोसाइटी का जो फोकस हो वो ह्यूमन पे हो, एक इंसान किसी का गुलाम ना बने, यही चीज जो होती है ह्यूमेनिज्म होती है। आपके दर्द को समझा जाए, एम्पैथी रखी जाए, गरीब के लिए कभी कभी जरूरत पड़े तो सिंपैथी भी रखी जाए, हालांकि एम्पैथी जो है वो हायर लेवल की चीज है, सिंपैथी थोड़ी लो लेवल की चीज है, आप दया करते हो बट कभी कभी दया करके भी भलाई होती है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज नॉट एम्पैथी, सब्सिडी इज सिंपैथी। ह्यूमेनिज्म, ह्यूमेनिज्म बोलता है कि लव ऑफ मैन, इसका मतलब ये ना समझे कि वो जो है लव ऑफ मैन, मैन टू मैन है, नो, इंसान के बीच में प्यार हो, ठीक है। And the belief that every man is an end in itself. इंसान जो है किसी चीज का जरिया नहीं है, इंसान खुद ही एंड है, इंसान को ही अचीव करना है, उसका जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, आप उसमें मदद करिए, एंड शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्राइज्ड एज सच, इंसान जैसा हो उसकी रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो डिसेबल्ड हो, नॉर्मल हो, मेल हो, फीमेल हो, चाचा हो, चाची हो, नाना हो, नानी हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर कोई जो है एक रिस्पेक्टेड सिटीजन हो। नो मैन हैज राइट टू लुक अपॉन अनदर मैन एज ए मियर एजेंट ऑफ हिज हैप्पीनेस, और आप बोलते हो रिलेशनशिप में कि मेरी खुशियों का खजाना तुम ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप उसकी भी खुशियों को बोलो, तुम्हारी जो खुशियां हैं वो भी मेरे लिए मैटर करती हैं, और हम दोनों मिलकर चीजें जो है साथ चलाएंगे। रिलेशनशिप एडवाइसेस, दिस आइडियल्स गिव राइज टू लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरल थॉट, नो रिस्ट्रिक्शंस। अब किसी ने पूछा था मुझे कि जो है लिबरलिज्म के निगेटिव और पॉजिटिव टाइप्स क्या होते हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई हैवंट रिप्लाइड, मैं खुद भी देख रहा था। उसके दो कॉनोटेशन है, ये जो लिबर्टी होती है एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की हो सकती है, इसमें भी अंदर ट्रिक है। एक लिबर्टी ऐसी जिसमें आप पे जो है ऊपर से सोसाइटी ये बोल दे कि एक लिमिट तक हम तुम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, दैट इज निगेटिव लिबर्टी, कि मैं पूरा फ्री नहीं हूं, एक दायरे में मैं फ्री हूं। दूसरा होता है पॉजिटिव, कि मैं कंप्लीटली फ्री। लेकिन एक और यहाँ पे कॉनोटेशन है,
एक लिबर्टी ये होती है कि आपको लगता है कि आप फ्री हो, दारू पियोगे, गाड़ी चलाओगे, रैश ड्राइविंग करोगे, ट्रैफिक वाला नहीं रुकेगा, आप सोचते हो फ्री हो, लेकिन आप अपने इम्पल्सेस से जो है, इम्पल्सेस से सॉरी, इम्पल्सेस से जो है आप कंट्रोल हो रहे हो, तो दैट इज निगेटिव लिबर्टी। यू यू थिंक यू आर फ्री बट एक्चुअली यू आर नॉट फ्री। तो दो तरीके के जो है लिबर्टी के क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। एक तो है कि रिस्ट्रिक्शन आप पे थोड़ी बहुत है कि नहीं, बाहर से कितना फ्री हो आप, है ना। जैसे फंडामेंटल राइट में स्टेट पे क्या, स्टेट क्या देता है आपको फंडामेंटल राइट, निगेटिव फंडामेंटल राइट तब का देता है कि मतलब ये जो है इसके ऊपर जो है हम प्रोविजियो लगा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन एक लिमिटेशन है। दूसरा निगेटिव ये भी है कि मतलब, खैर चलिए इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा सॉरी। तो लिबरलिज्म ये हो गया, सोशलिज्म तो जानते ही हो आप, 10 बार डिस्कशन हो चुका है। और इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, हम आप इंसान को देखें तो अकेला देखें, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करें, किसी को ये ना बोल के बोलें कि फलानी जो लड़की है फलाने साहब की बेटी है, फलाने साहब की पत्नी है, फलाने साहब की बहू है, फलाने साहब की भौजाई है, ये सब नहीं। इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दें कि ये जो है इनका नाम जो है फलानी फलाना जो भी है, ये एक इंडिपेंडेंट इंसान है, वो किसी से उनका कनेक्शन है इसीलिए वो इंसान नहीं है, दिस इज इंडिविजुअलिज्म। दूसरा बात, इंडिविजुअलिज्म जो है अमेरिकन सोसाइटी में वहां लोगों को फ्री बहुत होता है, इंडियन सोसाइटी जो वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे जो एक परिवार होता है मेरे, जो डिसाइड करते हैं कि बेटा तुम इंजीनियर बनोगे कि डॉक्टर बनोगे, लेकिन इंडिविजुअलिज्म तब पैदा होगा जब इंसान ये डिसाइड कर पाएगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे यूट्यूबर बनना है। ये अमेरिका में होता है, हाल इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है। ये होता है इंडिविजुअलिज्म, एक इंसान जो है अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन डिसाइड करे, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म। और वेस्टर्न साइड में इंडिविजुअलिज्म है, ईस्टर्न साइड में इंडिविजुअलिज्म नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस, पहला क्या था रैशनलिज्म, दूसरा ह्यूमेनिज्म। ह्यूमेनिज्म में क्या, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म वगैरह, बाकी सारे आपके जो, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग नथिंग इज स्टैटिक एंड ऑल सोसाइटीज मस्ट चेंज विद टाइम। अगर आपके सोसाइटी में सती प्रथा है तो इट शुड नॉट बी स्टैटिक, इट शुड चेंज विद टाइम। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो तो इट शुड चेंज विद टाइम, यू शुड अडैप्ट टू द टाइम, बिकॉज न्यू डेवलपमेंट इज कमिंग, न्यू डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी इज कमिंग, सो यू मस्ट चेंज एंड योर सोसाइटी मस्ट चेंज। मैन हैज द कैपेसिटी, आप बोलोगे कि नहीं मैं तो हार्ड कॉपी से ही पढ़ूंगा, पढ़ लो ठीक है, एक लिमिटेड हार्ड कॉपी ठीक है, लेकिन अब ये जमाना चेंज हो गया, रोज रोज करंट अफेयर अपडेट हो रहा है, तो कल को क्या यूपीएससी ऑनलाइन कर देगा, तो वहां पे जाके लड़ने लगोगे, नहीं मैं तो हार्ड कॉपी में दूंगा, हाँ मैं कंप्यूटर पे नहीं बैठूंगा। बैंक के एग्जाम वाले, एसएससी के एग्जाम वाले सारे चेंज हो गए ना, अब भी चेंज हो जाओगे, तो चेंज होना चाहिए। मैन हैज, अच्छा चेंज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फोर्स्ड चेंज जो आपको ऊपर से दिया जाता है, जैसे सती प्रथा जब हुआ था, खत्म किया गया था, तो अधिकतर लोग उस टाइम पे जो है, खास करके चाइल्ड मैरिज देखो ना, अब चाइल्ड मैरिज जो है उस टाइम पे लाई गई थी, उसके खिलाफ कानून, तो लोगों पे फोर्स किया गया था, लोग रेडी नहीं थे, दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देयर चिल्ड्रन इन द यंग एज ओनली, बाद में बिगड़े ना। कनेक्शन चला गया था सॉरी। तो आज जो ट्रिपल तलाक वाला इशू था, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा फोर्स था, लोग अंदर से रेडी नहीं थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस यही बोलता है कि आपको टाइम के साथ सोसाइटी को और इंडिविजुअल दोनों को चेंज होना पड़ेगा। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। मैन हैज द कैपेसिटी टू रिमॉडल नेचर। मैन चाहे तो मॉडल और सोसाइटी दोनों को देखिए अपने हिसाब से चेंज कर सकता है ऑन जस्ट एंड रैशनल लाइंस। मतलब जस्ट मतलब क्या, न्यायपूर्ण, सही होना चाहिए। दूसरा रैशनल, लॉजिकल। तो स्कूल ऑफ थॉट क्या थी इस टाइम पे, दिस न्यू करेंट्स ऑफ थॉट कॉज कंफ्लिक्ट अमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। अलग अलग तरह के करंट आ रहे हैं, एक थॉट वोल्टेयर कुछ और बोल रहा है, फलाना कुछ और बोल रहा है, आपकी कंट्री के कुछ और वैल्यूज हैं। कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव से इंट्रोडक्शन ऑफ एज फ्यू चेंजेस एज पॉसिबल, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चेंज करेंगे, टेक इट स्लो। कंजर्वेटिव, मेरी बैटरी तो नहीं लो हो गई, नहीं 27 है, एक मिनट। मैं थोड़ा फास्ट करके ये पांच, मेरी बैटरी नहीं है, फोन की बैटरी। अब मैं जो है दूसरा वाला माइक लगा रहा हूँ, शायद ये बैटरी के कारण हो रहा है, तो आप लोग जो है कंफर्म करिए ये नॉर्मल आवाज है बिना कुछ के, ठीक है। और पिछली जैसी आवाज नहीं आएगी कभी, येटी जैसी नहीं आएगी, बट आई हैव टू एडजस्ट, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। नॉर्मल माइक को मुंह के पास लगा लो तो प्रोबेबिलिटी है, मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी एक बार कंफर्म करिएगा कि आवाज कितनी आ रही है, मतलब डुएबल है, पहले जैसी नहीं आएगी।
राम या कोई भाई हमारे, एक बार आवाज का कंफर्म कर दीजिए, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा क्या? हाँ ग्रीन अर्थ, उससे उसके जैसी साउंड नहीं आएगी, बट ये ठीक है मतलब, हाँ क्लियर है ना, ये भी ठीक है एकदम, बिल्कुल पास में लगा लो तो 300 और वो वाला ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं लेकिन, बट एनीवे सो लेट्स स्टार्ट। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चार्जिंग में लगा दिया। तो कंजर्वेटिव्स एडवोकेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ एज फ्यू एज पॉसिबल इंडियन सिविलाइजेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडियन सिविलाइजेशन वो बोलते हैं कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन बट नॉट नेसेसरली इन्फेरियर टू इट। बोलते हमारी जो कल्चर है, तुम मनाते हो वैलेंटाइंस डे तो हम क्या नहीं मनाते कुछ, हम भी तो तीज मनाते हैं, हम भी तो करवा चौथ मनाते हैं, छोड़ दो पढ़ाना अखिलेंद्र। सर प्लीज टेल मी वन थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम योर लेक्चर, इज दिस ए प्रॉपर वे और शैल आई रीड फर्स्ट माय ओन एंड स्विच टू वीडियो सेशंस रीडिंग? अखिलेंद्र मैंने आपको ये कब बोला कि लेक्चर के बीच में आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपनी बुक सामने खोलनी है उस टाइम पे पढ़ना है? नो, इफ यू हैवंट स्टार्टेड इसी टाइम पे मेरे साथ ही करिए, ठीक है? उसके बाद आप रिवीजन खुद से करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सही डायरेक्शन में जाओ। अगर आप फ्रेशर हो तो आप जो है कुछ भी अज्यूम कर लोगे, भूल जाओगे। दूसरी बात, मैं करा रहा हूँ एक वीक में पूरा करा रहा हूँ इस पढ़ाई का, ये सबको मैं बोलना चाहूंगा, इस पढ़ाई का फायदा क्या है, एक वीक में जब आप पूरा कर लेते हो कोई सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो या कोई हिस्ट्री हो, तो आपको ना पूरा ऑलमोस्ट दिमाग में सेट रहता है कि कहाँ किस पेज पे क्या है, क्या पढ़ा था, सुना है कि नहीं सुना है। तो फिर आप मॉक सॉल्व करने जाते हो ना तो आप गलती भी करोगे ना, तो आपको कम से कम ये पता रहेगा कि बुक, एक सेकंड रुक जाओ, तो मॉक करने जाओगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, साथ ही ये भी पता रहेगा कि अच्छा कुछ बाहर से आया है क्या। तो जब आप मॉक का सॉल्यूशन नहीं पढ़ने जाओगे, आपको पता है कि किस चैप्टर में, फट से जाके वो रिवाइज कर लोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आज एक चैप्टर पढ़ा, कल दो चैप्टर पढ़ा, फिर 6 महीने बाद पढ़ा, फिर सारा भूल जाते हैं और हर बार जो है नई बुक को फिर से पढ़ने चले जाते हैं। तो एक बार ना इंटेंसिवली किसी चैप्टर को, पूरा बुक को खत्म करिए, फिर उसके फट से जाकर टेस्ट दे लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ पे थी, कुछ रिवाइज करना है कि नहीं करना, और सब कुछ याद भी रहता है। दिस इज द बेस्ट वे, जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे ना अगर सब कुछ रिवाइज करके, तो आपको वही फीलिंग आएगी कि मुझे तो सब कुछ याद है, ठीक है। वो बोलते हैं कि इंडिया की सोसाइटी जो है, तुम वैलेंटाइन डे मनाते हो तो हम भी तो तीज मनाते हैं, तो हम वैलेंटाइन डे फॉलो क्यों करें, हम करवा चौथ मना लेंगे, छलनी से देखेंगे, बल्कि और मजा आता है। तो हम ठीक है डिफरेंट है लेकिन इन्फेरियर नहीं है, प्यार मोहब्बत के खिलाफ नहीं है हम लोग। साउंड ब्रेक हो रहा है मतलब फट रहा है बोल रहा हूं, अभी ठीक है, मैं लाउड बोलता हूं ना, इज इट फाइन नाउ? बेटा वो बंद कर दो बटन वहां, माइक हिल रहा है इसलिए। अच्छा ओके ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत सह लीजिए ना, और चार्ज हो जाएगा तो मैं लगा दूंगा। अब कहाँ थे हम, तो हाँ वही बोलते हैं कि हमारी कल्चर तुमसे कम नहीं है, डिफरेंट है, तो तुम भी तो गोरे हो, हम जो ब्राउन है हम भी तो डिफरेंट है, तो इतना क्या थोप रहा अपना वाला। मेनी ऑफ दिस थिंग्स रिस्पेक्टेड इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। अब मुस्लिम जो है उसकी कल्चर फिलोसफी हालांकि बाहर से आई है, बट वो अपने धर्म को रिस्पेक्ट कर रहा है, हिंदू भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तिलक जैसे लोग। इट इफ एट ऑल वेस्टर्न आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस वेयर टू बी इंट्रोड्यूस, बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस करना भी है मान लो, ग्रेजुअली करो, कॉशियसली करो, ध्यान रख के करो, किसी की जो सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। तुमने करवा चौथ पे बैन लगा दोगे तो वो जो औरत है जो छन्ना बना के तैयार है कि मुझे देखना है चलनी से, वो तो परेशान हो जाएगी, तो ऐसी हरकतें मत करो। सोशल स्टेबिलिटी वाज ए मस्ट दे फेल्ट, क्योंकि अदरवाइज अगर तुम सडनली चेंज करोगे तो सोशल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। लोगों की शादी जो है कल को हम 4-5 साल में कर देते थे, अब तुम बोल रहे हो 15 साल, तो 15 साल फिर उन बाल बच्चियों को देखेगा कौन? हम तो यही सोच के चल रहे थे, हमने तो फलाना गुप्ता जी को पहले प्रॉमिस कर दिया था कि बच्चा पैदा होगा उसके पहले हमारी जो बेटी होगी आपके बेटे से शादी होगी, तो हमारी तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी सोसाइटी में, ठीक है। अर्ली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस स्कूल थॉट वर वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एडमंड बुर्के। एडमंड बुर्के और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इस थॉट के थे शुरू में, और बोलते थे कि ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। एंड बाद में आपका जो मुनरो आते हैं, मेटकाल्फे आते हैं, एल्फिंस्टन,
ये भी बोलते हैं कि थोड़ा जो है इसमें चेंज नहीं करना चाहिए, ये कंजर्वेटिव चीजों को सपोर्ट करते हैं। द कंजर्वेटिव्स रिमेन इन्फ्लुएंसियल थ्रू आउट एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया वर जनरली ऑफ ए कंजर्वेटिव पर्सुएशन। जनरली जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल आपके जो है कंजर्वेटिव लोग को ही पर्सुएड करते थे, उन्हीं लोगों की बातें मानते थे। बहुत लिबरल अपने लिए होंगे, घर में होंगे, हमारे लिए नहीं थे। दूसरा एक एटीट्यूड है पैटर्नलिस्टिक इंपेरियलिस्ट, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे, है ना। ये जो है खास करके 1800 के बाद इन्फ्लुएंस हुए थे। और वो जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर को बोलते हैं, ओह माय गॉड सच ए बैड कल्चर, सच अनएजुकेटेड पीपल, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर दे हैव, है ना। वो चाहते थे कि आपके इकोनॉमी की, आपके जो पॉलिटी की है, वो आपके एंस्लेवमेंट करें, आपको गुलाम बना के रखें। वो पैटर्नलिस्टिक अप्रोच था इंपेरियलिस्ट। पहले एक कंजर्वेटिव इंपेरियलिस्ट कौन थे, मेटकाल्फे हो गए, है ना, आपके जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो गए, एल्फिंस्टन हो गए, मुनरो हो गए, ये सारे लोग जो थे, एडमंड बुरके हो गए, ये लोग हुए जो पैटर्नलिस्टिक कौन थे, जो आपकी पूरी निंदा करते थे। थर्ड रेडिकल्स क्या थे, रेडिकल कौन होता है, पहले भी बताया था ना, जो एकदम रिवॉल्यूशन कर देना चाहता, उठा पटक। जैसे बीच में कोई आ जाए अभी या दिन में आ जाते हैं, एक ही बार में 20 कमेंट, एक ही कमेंट 20 बार, वो भी कैपिटल में कैप्स ऑन करके एकदम कि एकदम पूरा हाईलाइट हो जाए, पूरा भर देते हैं। तो ये रेडिकल लोग हैं, वी वॉन्ट द चेंज एनी हाउ। रेडिकल लोग जो है नैरो क्रिटिसिज्म की गंदी है कल्चर, गंदी है कल्चर, ये सब नहीं बोलते, है ना। ये सीधे सीधे जो है रेडिकल्स वेंट बियॉन्ड नैरो क्रिटिसिज्म, सही है। रेडिकल्स वेंट बियॉन्ड नैरो क्रिटिसिज्म एंड इंपेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द कंजर्वेटिव्स एंड द इंपेरियलिस्ट एंड अप्लाइड एडवांस ह्यूमनिस्टिक एंड रैशनल थॉट टू द इंडियन सिचुएशन, जस्ट लाइक हेनरी डेरेजियो। रेडिकल बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर दो कि खराब है और काम नहीं करो। दूसरा रेडिकल, मैंने आपको बोला था ना, रेडिकल कैन बी गुड ऑल्सो, रेडिकल कैन बी बैड ऑल्सो। तो जो रेडिकल है वो चेंज करना चाहता है, तो दे वॉन्टेड टू चेंज, दे सेड कि नया वाला जो एडवांस ह्यूमनिज्म हमने डेवलप किया है उसको इंडिया में लगाओ, कंजर्वेटिव की तरह ना उसको सपोर्ट करो, ना पैटर्नलिस्टिक एम्पेरियलिस्ट की तरह बस उसकी जो है निंदा करके बिचिंग करके भाग जाओ वहां से कानों में, ये सब नहीं, चेंज करो। उन्होंने बोला इंडिया हैड द कैपेसिटी टू इम्प्रूव, इंडियन लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कल्चरली एडवांस कर सकते हैं, और उन पर एक बर्डन है उनकी कंट्री पे कि आपकी कंट्री में वो ऐसे डेवलपमेंट करें, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। दे वॉन्टेड टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड ह्यूमनिज्म जो है इंडिया में डेवलप हो, और बोला कि यहाँ पे इसलिए जो है हम वेस्टर्न साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिलोसफी जो वेस्टर्न वाला है, वोल्टेयर वगैरह वाला, वो सब इंट्रोड्यूस करेंगे, और इनको हम शेक्सपियर की कहानियां जो है पढ़ाएंगे, और इनको बहुत मजा आएगा। जो है कौन सी कहानी शेक्सपियर की, हाँ कौन सा, हेलमेट, ऐसी जो है कहानियां सुनाएंगे, और इनको जो बहुत मजा आएगा, इनको पता चलेगा कि कालिदास में क्या रखा है। सम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु केम टू इंडिया आफ्टर 1820 के बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल आए थे उसमें से कुछ रेडिकल्स थे, है ना, उनको जो है याद रखिए, क्योंकि सती प्रथा को उन्होंने लोगों ने खत्म किया ना 1820 के बाद, तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सपोर्ट किया, वो भी उसी की तरह, उन्हीं की तरह थे। राजा राम मोहन रॉय भी रेडिकल ही थे, चेंज करना चाहते थे। बट प्रीडोमिनेंटली द रूलिंग एलिमेंट्स इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड टू बी इंपेरियलिस्टिक एंड एक्सप्लोइटेटिव। रिफॉर्म करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन इंपेरियलिज्म में कमी नहीं होगी, एक्सप्लोटेशन में कमी नहीं होगी। दे थॉट दैट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया हैड टू अकर विद इन ब्रॉड लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द नीड्स ऑफ एन इजियर एंड मोर थॉरो एक्सप्लोटेशन ऑफ इट रिसोर्सेज। बोलते हैं कि अगर मॉडर्नाइजेशन इंडिया का करना है तो थोड़ा जो है मॉडर्नाइजेशन इंडिया का करना है तो लिमिट में होना चाहिए, इतने ही लिमिट में होना चाहिए कि हम इनके एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो चल रहा है उसको करते रहें, बस इतना ही करना है। अब खुद सोचो ना, सती प्रथा हटाने से तो क्या इंडियन लोगों को जो इंपेरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठ जाएगी, नहीं ना। अगर बहुत पढ़ा लिखा दोगे तो खिलाफ आवाज उठ जाएगी, तो वो नहीं करना चाहते थे। इन दिस रिस्पेक्ट आप ऑन द रेडिकल्स ऑल्सो टॉड ए कंजर्वेटिव लाइन, इस मामले में कि एक्सप्लोटेशन के मामले में रेडिकल और जो कंजर्वेटिव सब सेम होते हैं। दे डिजायर्ड मोस्ट ऑफ ऑल द सेफ्टी एंड परपेचुएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। मोस्ट क्या उनके मन में था, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की सेफ्टी रहे, वो कॉलोनियल रूल चलता रहे और परपेचुएटी में चलता रहे, एवरी अदर कंसिडरेशन वाज सेकेंडरी। बाकी रिफॉर्म वगैरह मन में जो था भी तो सेकेंडरी था। अब यहाँ पे बात होती है इंडियन रेनेसा की, ये तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन छोटा सा है फिर भी सुन लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाया। रेनेसा जो पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में जो रेनेसा था क्या वो पूरा रेनेसा था या नहीं था, इस पे कंफ्लिक्ट चलता है, क्योंकि कई जो यहाँ पे हमारे मूवमेंट्स थे वो ऑर्थोडॉक्स वाले भी थे उसी टाइम पे, वो थे रिएक्शन में, तो राजा राम मोहन राय कुछ बनाते हैं तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन उनके जो है खिलाफ कुछ और बनाते हैं, वो भी इंस्टीट्यूट उसी टाइम पे बने थे, तो पूरा रेनेसा तो नहीं था, बट हाँ कुछ लोग रेनेसा बोलते, मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए।
देयर वर मेनी इंडियंस हु इंस्टिगेटेड सोशल रिफॉर्म एंड कॉज्ड लेजिस्लेशन टू बी ब्रॉट. सती प्रथा चिल्ड्रन मैरिज के खिलाफ, बाद में शारदा एक्ट बन जाता है चिल्ड्रन के लिए, विमेन चिल्ड्रन के लिए, आजादी के बाद या पहले ही शायद, चेक करिएगा. तो शारदा एक्ट 1930s अराउंड बना था कि आजादी के बाद बना था, ठीक है. सोशल लेवल को खत्म करना है तो इसमें कौन लोग थे, राजा राम मोहन राय. पूरा चैप्टर बड़ा पढ़ाया है, पूरा एक पॉडकास्ट जो है 30 मिनट का लगा के. देर इज अ डिले और इट्स फाइन, इज अ डिले और इट्स फाइन. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वीमेन के लिए बहुत काम किया था. बीएम मालाबारी, टू नेम बीएम मालाबारी कौन थे, मालाबार में रहते थे. टू नेम ए फ्यू सोशल रिफॉर्मर्स बताया यहाँ पे, पूरा चैप्टर किया यार, इसको क्या डिस्कस करूँ. 1930s ना, थैंक यू. Worked hard to get legislation passed by the government to remove social evils. Those aspects have been discussed in detail in the chapter religious social reform. और हमने इसको पहले कर लिया है. अच्छा, तो जो government थी उसमें क्या dilemma थी, government जो थी उसमें क्या dilemma थी, क्या आया. Government ने सोचा कि अगर बहुत ज़्यादा modernization कर दें, फिर से वही है, तो लोग जो है विद्वान हो जाएंगे, इंटेलिजेंसिया डेवलप हो जाएगा, तो हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगा, लोगों को एजुकेट कर देगा. तो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन करो, कुछ एरियाज में मॉडर्नाइजेशन करो, लेकिन कुछ एरियाज में एजुकेशन में, साइंस में, इसमें खास करके मॉडर्नाइजेशन नहीं करो. इसको बोलते हैं कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन. आप ऐसे में यूज कर सकते हैं या आंसर में, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन इज हैपनिंग बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनी ओनली. द लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन विच इज हैपनिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनी. द पार्शियल मॉडर्नाइजेशन वेयर सम ऑफ द रिफॉर्म्स हैपन बट दोज रिफॉर्म्स डू नॉट हैपन दोज इफ हैपन्स दैट जेपर्डाइजेज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. वो रिफॉर्म नहीं करेंगे. तो क्रिश्चियन मिशनरीज पे चले आइए. क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ठीक है, आप कन्वर्ट करने के लिए, अपना मैसेज फैलाने के लिए सही है, जो भी है, लेकिन लोगों की जो है भलाई तो बहुत जगह की है, आज भी की है. कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वालों की इंग्लिश देखी है. द मिशनरीज रिगार्डेड क्रिश्चियनिटी टू बी अ सुपीरियर रिलीजन. इसमें कोई शक नहीं है. मिशनरीज का कहना था कि क्रिश्चियनिटी इज द ओनली ट्रू रिलीजन, सुपीरियर रिलीजन, एटलीस्ट कम टू द गॉड. एंड वॉन्टेड टू स्प्रेड इट इन इंडिया थ्रू वेस्टर्न. इनफैक्ट जो है 1990s में पोप जो थे आपके, या वेटिकन सिटी, ही मेड अ स्टेटमेंट व्हाइल विजिटिंग इंडिया, चाइना, ऑल दिस कंट्रीज, कि बाय 2020 और 2030 वी विल बी कन्वर्टिंग एंटायर साउथ एशिया. ठीक है, ही मेड एन स्टेटमेंट ओपनली. तो वेस्टर्नाइजेशन उनको मानना था कि वुड डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ द नेटिव्स इन देयर ओन रिलीजन. क्रिश्चियन मिशनरीज इसलिए वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, इंग्लिश पोएम राइम इसलिए सुना रहे हैं कि बच्चा जो है लोरी भूल जाए मम्मी की और उस तरह से अपना धर्म भूल जाए. Towards the end, Christian missionaries ने overall क्या किया सुनिए. First, supported the radicals whose scientific approach they believed would undermine the native culture and beliefs. कौन radical की बात हो रही है? जो यहाँ पे colonial जो ruler था, जो viceroy radical था ना, जो transformation चाहता था society में, change करना चाहता, तो उसको support किया. क्यों? बोला कि अगर कल को science सीख लेगा तो ये धर्म में जो इसके जो है बहुत superstition के कारण आस्था हो तो खत्म हो जाएगी. तब वो बोलेगा science सीखे कि राम कहाँ थे? नहीं थे. महाभारत तो किताब किसी और ने लिखी है. जैसे रोमिला थापर बोलती है ना, महाभारत तो लोकल लोकल जो स्टोरीज थी, किंवदंतियां थी, उसको मिला के लिख दिया है. सम देन वी विल टीच देम कि भाई वैदिक काल में जो है गाय मांस खाई जाती थी. ट्रांसलेशन भी करके दिखाएंगे कि देखो गाय मांस खाया जाता था. ये सारी चीजें जो है लोगों को सिखाएंगे ताकि उनका धर्म में जो आस्था खत्म हो जाए. तो वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक अप्रोच है ना. बाद में जब कारतूस में जब सुअर और गाय का मांस का बात आएगा तब भी बोलेंगे देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स साइंस, मीट इज मीट. So one way it is good, but the way it is done and the purpose, that the purpose was wrong. Supported the imperialists since law and order, the British supremacy was essential for their propaganda. Law and order को तो support करेंगे ना, डंडी लगाने हैं ना. Sought business and the capitalist support, holding on the hope to them that the Christian converts would be better customers of their goods. Business और capitalist को क्यों support किया? बिजनेस और कैपिटलिस्ट को ये लगता था कि जो इंसान क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेगा तो वो जो है उनके सामान खरीदेगा, हैलोवीन मनाएगा, पंपकिन लगा के बोलेगा हैलोवीन मनाऊंगा मैं, तो वैलेंटाइंस डे के कार्ड बेचे जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट के, बल्कि कुछ लोग जो है मतलब अपने घर में जो क्रिसमस भी मनाते हैं बहुत धूमधाम से, प्यार मोहब्बत से, स्नो का वो जो कुछ बना भी देते हैं नकली और बोलते हैं कि वी आर फीलिंग लाइक वी आर इन अलास्का, वेरी नाइस. ब्रिटिश रिट्रीट मतलब क्या, इंटरफेरेंस करें कि नहीं करें. आफ्टर 1858, however, the policy of hesitant modernization was gradually abandoned. जो मॉडर्नाइजेशन करना था उनको लगा कि आप छोड़ दो यार इनको अपने हाल पे. पहले भी ये चीज मैंने आपको बताई, एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही किया था ना.
1858 के बाद आपको लगेगा कि बेटर गवर्नमेंट चल रही है, बट नो, दैट वॉज रिट्रीट, दैट वॉज नॉट बेटर गवर्नमेंट. ऑर्थोडॉक्स पहले, गंदी चीजें शुरू हो जाएंगी. ब्रिटिश इंडियन, हाउएवर द इंडियंस प्रूव टू बी एप्ट पीपल्स एंड शिफ्टली रैपिडली टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर सोसाइटी एंड असर्शन ऑफ देयर कल्चर एंड डिमांडेड रूल इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. बाद में ब्रिटिश कुछ नहीं करना चाहते, ब्रिटिश नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते, लेकिन इंडिया तो एजुकेट हो रहा था, बोलता है कि हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी लाइए, लिबर्टी लाइए. ये देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चीजें हमने पढ़ ली हैं किताब में, नोट डाउन भी कर लिए, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, तो आप जो हमें भी जो है सिविल सर्वेंट बनने दो, हमारे लिए डिमांड, हमारी हमारी मांगे पूरी कर. ब्रिटिश जो है उस टाइम पे आपको पता ही है ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव एलिमेंट के साथ गया था. कितनी बार बताऊंगा, हिंदू महासभा वगैरह के सपोर्ट में बाद में जाते हैं, सर सैयद अहमद खान के पास तो बहुत पहले चले जाते हैं. जब कांग्रेस बन जाती है तो खास करके कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स के साथ जो ये लोग हाथ मिला लेते हैं डिवाइड एंड रूल के लिए. दे ऑल्सो इनकरेज कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म. बोलते हैं कि भाई तुम तो खान हो, हिंदू को बोलते हैं भाई तुम तो पंडित हो, है ना, तो कैसे तुम दलित के साथ खाना खा लोगे, उसको दबाओ. जमींदार को बोलते हैं तुम तो क्षत्रिय हो, राजपूत हो, है ना, तो जो अनिल की खेती करवाओ थोड़ा. ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स क्या था, आपको पता ही, प्रिंसली स्टेट को एज ए टूल यूटिलाइज करना था. रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी गाइडेड, उसमें जो टू पॉइंट पॉलिसी थी, पहला था यूजिंग एंड परपेचुएटिंग देम एज बुलवर्क ऑफ द एम्पायर, वो जो है लेके एम्पायर को चलाएगा. कैसे, अगर आप उसको पटा लो तो अपनी जनता को पटा लेगा, जनता को नहीं तो कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा तो आपके खिलाफ रिवॉल्यूशन नहीं होगा, प्रजामंडली नहीं चलेगी. एंड प्रजामंडली वाला जो मैंने वीडियो भेजा था, ये अपना कौन सा है प्रिंसली स्टेट, सौराष्ट्र वाला, सौराष्ट्र वाला देख लीजिएगा प्लीज, दैट इज अ वेरी गुड वीडियो बाय बीबीसी. थोड़ा सा बायस भी दिखेगा बट दैट इज ओके, और साथ में मैंने कनेक्ट भी कर दिया बहुत कुछ चीजों को, तो वॉइस नोट भी सुन लीजिएगा मेरे ऑफिशियल वाले चैनल पे. अच्छा, ऑफिशियल चैनल पे एक चीज बता देता हूँ, उसका नेचर क्या है, मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन से फ्लड नहीं करूंगा, जो मेरे दिल के करीब है जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, वहाँ क्विज वगैरह ऐसा कुछ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो तो बहुत जगह अवेलेबल है. अब तो टिप्स पर यूपीएससी में रही, वो तो अवेलेबल है ही है. वो ऑफिशियल इसलिए है कि मतलब एक होता है ना, एक दिल के करीब कोई बात आई तो बता देना है, कुछ अच्छा मिला तो शेयर करना है, वो लिमिटेड रहेगा. मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि मेरा क्या प्लान है, क्या करने का, डिले हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी भी वहीं बोलूंगा, क्या कर रहा था, पर्सनल चीजें शेयर करूंगा, तो दिस इज वेरी क्लोज टू हार्ट, है ना. वॉइस इज नॉट क्लियर, अब दिक्कत क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर, कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर, सो आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई विल लिसन माई सेल्फ वन सेकेंड. No, no, voice is very clear. No, it's coming very fine. I will continue. तो उसको बुलवर की तरह यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा चलता रहे, कॉलोनियल एरा में जो है हमारे खिलाफ कोई जो है विद्रोह ना हो. यूजिंग एंड परपेचुएटिंग देम एज बुलवर्क ऑफ द एम्पायर एंड सबऑर्डिनेटिंग देम कंप्लीटली टू ब्रिटिश अथॉरिटी. ठीक है, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, है ना, तो उनको जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही बाद में सबऑर्डिनेट किया, जो आपके देखते हैं क्वीन के अंदर डाल दिया, वो सारी चीजें तो रहेंगी. पैरामाउंटसी तो 1947 तक रहती है. टू कल्टीवेट, थैंक यू, टू कल्टीवेट दीज स्टेट्स एज ए बफर अगेंस्ट फ्यूचर पॉलिटिकल अनरेस्ट. अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, प्रजा मंडली जाग गई, तो ये लोग बफर की तरह काम करेंगे. दो मान लीजिए ब्रिटिश प्रोविंसेस है, बीच में एक प्रिंसली स्टेट है, तो बफर की तरह काम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपनी सेना भी कहीं दे दें. तो कल को 1857 का रिवोल्ट हो गया तो पूरा इंडिया जाग जाए वो खतरनाक है, या खाली ब्रिटिश प्रोविंस से जागे वो खतरनाक है. ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन इज मोर कंफर्टेबल, खाली ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है. इसलिए प्रिंसली स्टेट को खुश करने के लिए 1857 में जब क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता, तो बोलती है कि अब नया एरिया नहीं लेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद किसी नए प्रिंसली स्टेट की एनेक्सेशन नहीं की गई थी, है ना. बोलते हैं कि लेकिन डिपोज व पनिश तो करेंगे, ठीक है. डिपोज मतलब क्या, उस राजा को हटा के किसी और राजा को बना दिया, पनिश कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने ब्रिटिश प्रोविंसेस में नहीं मिलाते हैं. ऑल्सो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट्स वाज गारंटेड, जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है आज गारंटेड है क्या, कोई बताएगा मुझे, क्या किसी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है. एंड इट वॉज अनाउंस दैट देयर राइट टू अडॉप्ट एन हायर वुड बी रिस्पेक्टेड, चाहे वो आपका मतलब मान लीजिए कि अपना बच्चा भी ना हो. पहले तो आपका था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर आपका अपना बच्चा ना हो तो आप अडॉप्ट करके किसी को राजा नहीं बना सकते, ठीक है. लेकिन आज जो है, पहले आप राजा नहीं बना सकते, लेकिन 1857 के बाद बोला कि नहीं, आप एक हायर आपको अपॉइंट करना हो
बनेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एवरीबडी रिमेंबर्स। The subordination of princely states to British authority was completed when the fiction of Indian states standing in a status of equality with the crown as independent sovereign states ended with the queen adopting the title of Kesari Hind. 1857 के बाद princely state को ये लगता है कि हम जो एकदम completely free हैं वगैरह वगैरह, हम नहीं हैं। Queen ने बोला I am the Kesari Hind, right? Kesari Hind, K-A-I-S-E-R-I-H-I-N-D, Kesari Hind जो है क्वीन ने खुद को मतलब कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की रानी, किसकी रानी, प्रिंसली स्टेट्स की रानी 1876 में खुद को डिक्लेयर कर दिया। तो क्या सबऑर्डिनेट हो गए ना आप, कौन से राजा रानी हो जब आपके ऊपर एक रानी बैठी हुई है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एंटायर इंडिया, तो उसमें प्रिंसली स्टेट भी आएंगे। इट वॉज लेटर मेड क्लियर बाई लॉर्ड कर्जन दैट द प्रिंसेस रूल्ड देयर स्टेट्स मियरली एज एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। बोला तुम यू आर नॉट इंडिपेंडेंट किंग मैन, यू आर जस्ट एजेंट ऑफ द क्वीन। ये कर्जन ने साफ साफ बाद में क्लियर कर दिया था। तो पैरामाउंट सी बोलते हैं इसको, पैरामाउंट सी मतलब पैरा ऊपर अलग, माउंट सी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सरसाइज द राइट टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ स्टेट थ्रू देयर रेसिडेंट्स और बाय अपॉइंटिंग एंड डिसमिसिंग मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल। मैं स्टेट क्या ब्रिटिश प्रोविंसेस बोल रहा हूँ? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश टाइम में। प्रोविंसेस बोलूं तो आप ब्रिटिश प्रोविंसेस समझना, स्टेट बोलूं तो आप सिंपली प्रिंसली स्टेट समझना। तो कैसे करते थे कंट्रोल? रेसिडेंट होता था, ब्रिटिश ऑफिसर जो होता था मिनिस्ट्री के साथ बैठता था मंत्रालय में, और कभी मर्जी हो तो किसी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर देते थे, ये हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है, ऑफिशियल को डिसमिस कर देते थे, पूरा अधिकार रखा था, चिंता मत करिए, कोई फ्रीडम नहीं थी। ब्रिटिश वेयर हेड फर्दर इन देयर इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट मतलब किसी की जमीन में घुस जाना है ना, फर्दर इन देयर इंक्रोचमेंट बाई मॉडर्न डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। अब रेलवे बन रहा है, लाइन गुजरेगी, रोड बन रहे हैं, टेलीग्राफ बन रहा है, कैनाल बन रहा है, पोस्ट ऑफिस सबके जो है डाकिया डाक लेकर आएगा, वहां भी पोस्ट ऑफिस खुलेगा, आपके ऑफिशियल हो गए ना ये लोग, आपका कंट्रोल है। द मोटिव फॉर इंटरफेरेंस वाज प्रोवाइडेड बाय द राइज ऑफ नेशनलिस्ट। ये तो इधर नेशनलिस्ट जाग रहे थे, ये लोग चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट है उसमें अच्छा खासा कंट्रोल ले लो, कल को कहीं वहां भी प्रजा मंडली ना हो जाए। डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे इन स्टेट में, और इनका जो है सपरेशन करना था ब्रिटिश को, क्योंकि ब्रिटिश रियलाइज कि ये जो है उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक सिंपल सी लाइन थी, कोई नहीं। एज ए पॉजिटिव साइड टू द मॉडर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट ब्रिटिश हेल्प दीज स्टेट्स adopt modern administrative institution. राजा रानी को बोला कि ये क्या मंत्रालय पंत्रालय लगा रखा है, नया एडमिनिस्ट्रेशन लगाओ, डेमोक्रेसी मत लो, लेकिन सरकार कैसे चलाते हैं ये वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल को अपनाओ। Also refer to chapter on Indian states under British rule. ये कौन सा चैप्टर है, इंडियन स्टेट्स अंडर ब्रिटिश रूल, ये कौन सा चैप्टर है, कोई बताएगा मुझे क्या? ये शुरुआत में होगा ना, एकदम इनिशियल में, जो कि बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को कोई कोई याद है क्या? पहला चैप्टर तो सोर्सेज है, दूसरा मेजर अप्रोचेज है, तीसरा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश। आपको पता है ना एडवेंट ऑफ यूरोपियन वगैरह नहीं, पलासी से शुरू होता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कंपनी रूल, रेजिस्टेंस। एक कहां पे ये चैप्टर है राम? इंडियन स्टेट्स अंडर ब्रिटिश रूल कौन सा चैप्टर है यार, कोई नहीं बता पा रहा, नो रिप्लाई कैन, मुझे भी नहीं पता है ऐसा कुछ। इंडियन स्टेट्स, ओके, 631 पेज पे चैप्टर नंबर 34 इंडियन स्टेट्स, कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, सबऑर्डिनेशन, रिंग फेंस। अच्छा ये पढ़ना है, पता है ये एक अलग से चैप्टर बाद में निकलेगा, पोस्ट इंडिया वाला जो सेक्शन है उसमें डाल के घुसा दिया है, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर वाले में। एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर में मैंने चैलेंजेस बिफोर न्यू नेशन, ओके, हम लोग ना इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर में चैलेंजेस बिफोर द न्यू बॉर्न नेशन भी पढ़ेंगे और इंडियन स्टेट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे, तीन चैप्टर और ऐड कर लीजिए, मेकिंग ये तीन चैप्टर भी पढ़ेंगे और दैट विल बी यूनिट 10, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, तीन चैप्टर वहां पे ऐड हो रहे हैं।
चैप्टर 36 इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, ये देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नेहरू लीडरशिप नहीं पढ़ेंगे, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाएगा। सो वी आर एडिंग 3 or 4 चैप्टर्स, चलो कोई नहीं, वो भी कर लिया जाएगा, तो कल से परसों हो जाएगा, कोई नहीं, 3-4 चैप्टर और ऐड करेंगे क्योंकि ज़रूरी है वो। आपके प्रोविंसेस की एक प्रति क्या पॉलिसी थी उनकी, इस पर एक जो फोरमाइज के मॉक में क्वेश्चन था सिर्फ 2 साल पहले मुझे लगता है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, फट से खत्म हो जाएंगी। तो ब्रिटिश का फॉरेन पॉलिसी इंडिया में क्या था, इसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है, इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, वी विल डू दैट, डोंट वरी, वी आर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ओके, द परसुएंस ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म पॉलिसी थी, उनको जिसमें फायदा हो वही उनका फायदा है, ऑफन लेड टू कंफ्लिक्ट विद द नेबरिंग कंट्रीज, बर्मा से कंफ्लिक्ट, नेपाल से कंफ्लिक्ट, काला पानी का लेके आज तक ढो रहे हैं ना, चाइना से कंफ्लिक्ट, अफगानिस्तान का डूरंड लाइन कंफ्लिक्ट, these conflicts arose due to various reasons, firstly your first political and administrative consolidation of the country coupled with introduction of modern means of communication impelled the government of india to reach out for natural geographical frontal internal obsession and defense of the sometimes broader class, bolte hain ki aapki india ki country mein dekhiye railway develop ho raha hai, industry develop ho rahi hai, politics develop ho raha hai, communication develop ho raha hai, to resources ki kami padegi na, sab kuch to jharia ke mind se nahi ho jayega, थोड़ा बहुत जो बर्मा चला जाए वहाँ भी लकड़ी काटी जाएगी, वहाँ से भी कुछ लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से चलिए रिसोर्सेज लाते, ऊपर से रशिया घुस रहा उधर से, तो अफगानिस्तान को बचाना है, बर्मा, श्रीलंका, चाय बगान लगाने हैं, तो इन सारे कारण से बस वो इंडियन इंडिया में, बस इंडिया में नहीं रहते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आसपास की सारी कंट्री में घुसने की कोशिश करते हैं, वो लोग बोलते तो इंडिया कब्जा लिया हमारे यहाँ भी घुस रहा, तो कन्फ्लिक्ट होंगे, उस कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट हमें आज तक भोगना पड़ रहा है। सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इट्स मेजर एम्स इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका में खास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनियलिज्म था, आपको पता ही है। पहला तो ये देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ इनवैल्यूएबल इंडियन एम्पायर, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इनवैल्यूएबल इंपीरियल इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का एग्जाम्पल अफगानिस्तान का वॉर, बिकॉज उनको डर लग रहा था कि कल को अफगानिस्तान में जो है रशिया घुस गई तो इंडिया में घुस जाएगी, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, इंडिया तो इनवैल्यूएबल इंडियन एम्पायर तो बहुत अमीर है। सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो चीज रिपीट कर दी। थर्ड, कीपिंग अदर यूरोपियन इंपेरियलिस्ट पावर हुज कॉलोनियल इंटरेस्ट केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ द ब्रिटिश एंड आर्म्स लेंथ इन एशिया एंड अफ्रीका, बोलते एशिया और अफ्रीका में जो है उधर जर्मनी बोल रहा है कि मैं भी घुसूंगा, फ्रांस बोल रहा है मैं भी घुसूंगा, अब देखिए ना फ्रेंच से उनकी लड़ाई हुई ना यहाँ पे, इसीलिए पांडिचेरी में फ्रेंच भी चाहते थे पूरा इंडिया पे कब्जा कर ले। दीज, तो इससे जो भी जो रिलेशन है फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है, दीज एम्स लेड टू ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट आउटसाइड इंडियाज नेचुरल फ्रंटियर, लिटन इसीलिए जो है बाहर जाके लड़ाई करने लगता है, और जो आपके इंपेरियलिस्ट यूरोपियन पावर है जैसे रशिया और फ्रांस, अगेन सेम एग्जाम्पल, उनसे आपकी लड़ाई हो जाती है। वाइल द इंटरेस्ट ऑफ वेर ब्रिटिश द मनी स्पेंट एंड द ब्लड शेड वाज इंडियन, यही बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो वर्ल्ड वार हो या आपके नेबरिंग कंट्रीज में वार हो, चाहे जो आप जो उनको इंडोनेशिया भेज रहे हो किसी की मदद के लिए, डच की मदद के लिए, तो जो मनी लगती थी वो सारा जो है हमारी कंट्री से के टैक्सेशन से आता था, लोग जो मारे जाते थे वो हमारे मारे जाते थे। अ सर्वे ऑफ ब्रिटिश रिलेशन विद वेरियस नेबरिंग ऑफ इंडिया स्टेट हैज बीन मेड इन द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया, ये पहले का चैप्टर है, ये भी हमें करना है। सो वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन 2 parts, प्रोबेबली एक ही पार्ट में हुआ है, एक पार्ट में इतना चैप्टर तो नहीं हुआ होगा, 2 parts में हुआ होगा शायद। सो ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट कब मिलना बता दूंगा, अब जो थोड़ा है डिनर वगैरह का इंतजाम करके देखा जाए, फिर रात में जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे खींचेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा जुड़ गए, मुझे ध्यान नहीं रहा, खैर कोई नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शायद एक ब्रेक करके या 2 छोटी-छोटी क्लास करके इकोनॉमिक इंपैक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, फैजन मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कब मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, टाइम लग सकता है इस बार थोड़ा। बाय बाय।